पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि ये सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में आपको बताऊं और आप इजीली एग्जाम्स को आसानी से करके आ जाओ। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले एक नज़र हम सिलेबस पर डाल लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है और आखिर हमें पढ़ना क्या है इस पूरे सिलेबस के अंदर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? लोगों के लिए जो कानून बनाते हैं वो सारे सरकारी कर्मचारी जिनको हम नौकरशाही कहते हैं, इसलिए इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोक प्रशासन कहा जाता है। लोगों के लिए जो काम करती है उन सभी अधिकारियों को प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रखा जाता है। तो इसमें जो टॉपिक्स हैं हमारे वो इसी के ऊपर है कि सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि भारतीय प्रशासन यानी कि इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे वो सभी अधिकारी आते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के, IAS, IPS, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब के सब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में ही आते हैं। इसको चलाने वाले यही होते हैं, नेताओं के द्वारा तो सिर्फ कानून पे थप्पा लगाया जाता है, मेन काम तो यही कर रहे होते हैं। तो इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आखिर इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो हम यही देखेंगे। जो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन है ये अंग्रेजों के टाइम से स्टार्टिंग हुई, आखिर किस तरीके से हुई, इसका मेन पर्पज़ क्या था, सिविल सर्विस का आज कितना इंपॉर्टेंस है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट है। इसके बाद है विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के पास तो होती है, बट इसके बाद एक और गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसको हम पंचायती राज यानी कि म्यूनसिपैलिटी के नाम से भी जानते हैं। शहरों के अंदर म्यूनसिपैलिटी और गांव के अंदर पंचायती राज, सरपंच वगैरह, मुखिया वगैरह जो होते हैं। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को पूरे भारतवर्ष के अंदर कंपलसरी कर दिया गया। और आपको यही बताना है इसमें कि 73rd और 74th अमेंडमेंट क्या है, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, विकेंद्रीकरण, यानी कि पावर को सेंट्रलाइज ना करकर डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, यानी कि पावर सेंटर, स्टेट और नीचे लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड किया जाए, जिससे कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये सपना पूरा हो सके गांधी जी का। गांधी जी चाहते थे कि भारत के अंदर पंचायती राज होना जरूरी है, क्योंकि एक गाँव की प्रॉब्लम क्या है वो एक गाँव में रहने वाला बंदा ही समझ सकता है, संसद में बैठा बंदा कैसे समझ सकता है, क्योंकि अब एक गली नुक्कड़ की प्रॉब्लम तो वही समझ सकता है अच्छे से, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था कंपलसरी होनी चाहिए। तो पंचायत के बारे में हम समझेंगे और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करने से क्या फ़ायदा होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का कितना फ़ायदा है, क्या नुकसान है, हम ये भी देखेंगे अपना विकेंद्रीकरण वाले चैप्टर में यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन वाले में। तो इसके बाद जो हमारा मेन आता है वो है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट के अंदर जो सबसे मेन है हमारा वो है बजट के प्रकार, यानी कि बजट कैसे पास किया जाता है। बजट क्या होता है, एक साल में सरकार कितना खर्च करेगी और कितना पैसा टैक्स के रूप में आएगा, इसका पूरा लेखा जोखा जो होता है इसी को हम बजट के नाम से जानते हैं। इस बजट का क्या कॉन्सेप्ट है, बजट की शुरुआत कैसे हुई है, बजट चक्र यानी कि बजट साइकिल का मतलब क्या होता है इंडिया में, एंड बजट कितने टाइप्स का होता है, जैसे लाइन बजट, प्रदर्शन योजना बजट, शून्य आधारित बजट, इन सब के बारे में हम देखेंगे, एंड फाइनेंस बजट हो गया। तो अलग अलग बजट के बारे में हम समझेंगे और इस बजट को कैसे पास किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन का तरीका क्या है, हम ये देखेंगे अपने थर्ड यूनिट के अंदर। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ यूनिट, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, जो क्या है, भारत में प्रौद्योगिकी और लोक प्रशासन यानी कि टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसमें हम देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आज हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर रही है, इसको हम ई गवर्नेंस के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑनलाइन तरीके से सरकार कैसे काम करती है, सरकार किस तरीके से आज सबका डेटा कलेक्शन करती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक करके और तमाम ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जो हम देखेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद है फिफ्थ यूनिट, जिसके अंदर सामाजिक कल्याण प्रशासन यानी कि सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी स्कीम लेकर आई गई है, जिसमें एजुकेशन को लेकर राइट टू एजुकेशन हो गया और हेल्थ को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन, सरकार के द्वारा ये दो योजनाएं लेकर आई गई है और इन दोनों स्कीम के ऊपर शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। राइट टू एजुकेशन तो आता ही आता है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है हमारा सिक्स यूनिट, भारतीय प्रशासन की समस्याएं एवं वाद विवाद यानी कि इशूज एंड डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। आखिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन सी वो समस्याएं हैं, हमें वो बताना है और इसके ऊपर क्या डिस्प्यूट्स है, इसका सोल्यूशन क्या है, हमें ये बताना है। तो इस तरीके से पूरा आपका सिलेबस है जो हमें पूरा पढ़ना है। तो इस तरीके से पूरा हमारा ये सिलेबस है, ये चैप्टर्स हमें पूरे सिलेबस में पढ़ना है। मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे सिलेबस में से, इस पूरे चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूँगा और उसको पूरा समझा डालूंगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है, जो कि पूरा सिलेबस आपका कवर करता होगा। उसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना और वही क्वेश्चन आएगा जो बताने जा रहा हूँ। ऐसे तो सभी में से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है आपका सेकेंड। थर्ड में ये खा वाला पॉइंट यानी कि बी वाला पॉइंट, फोर्थ में फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, ये सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट यूनिट है। चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इन सभी चैप्टर्स में से क्वेश्चंस लेते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि सिलेबस भी कवर हो जाए। तो चलिए अब समझते हैं अपना हम फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं की संरचना किस प्रकार की रही है और उनकी पदोन्नति यानी कि प्रमोशन की क्या शर्तें रही है, यानी कि व्हाट हैज बीन द स्ट्रक्चर
ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया एंड व्हाट आर दी कंडीशंस ऑफ प्रमोशन इन दी सिविल सर्विसेज, यानी कि सिविल सर्विसेज की स्टार्टिंग कैसे हुई है भारत में और जो सिविल सर्वेंट हुआ करते थे उनका प्रमोशन किस बेस पे हुआ करता था, यानी कि उसके लिए क्या शर्तें थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको इसी का आंसर देना है। देखो 1600 में भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कई सारे ऐसे कर्मचारी काम किया करते थे जो ट्रेड एक्टिविटीज़ को संभालते थे। सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल सेवा की यानी कि सिविल सर्विसेज की शुरुआत की गई और इन सिविल सर्विसेज में काम करने वाले अधिकारियों का मुख्य काम हुआ करता था जिन भी एरियाज में ब्रिटिश डेट मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार है उस एरिया का बेहतर ढंग से शासन चलाना। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई और अलग से कठोर नियम भी बनाए गए ताकि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं जो नौकरशाही हैं वो कोई करप्शन ना करें, इसलिए उनकी सैलरीज को बढ़ा दी गई थी ताकि करप्शन से इनको फ्री रखा जा सके। आगे चल के इनकी प्रमोशन की भी बात की गई जिससे कि इनको ये लगे कि भाई हमें यहाँ पे दर्जा मिल रहा है, हमें रिस्पेक्ट भी मिल रही है। 1801 में युवा सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज भी खोला गया ताकि सिविल सर्विसेज के लिए मैक्सिमम लोगों को इसमें ज्वाइन या पार्टिसिपेट करवाया जा सके। 1854 में मैकोले कमेटी के द्वारा भारत में पहली बार सिविल सर्विसेज की शुरुआत की गई और इस कमेटी के द्वारा ही ये प्रपोजल दिया गया, ये एडवाइस दी गई, ये सिफारिशें दी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी अधिकारी काम करते हैं हमें इनकी क्वालिटी को बढ़ाना होगा और इनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हमें कुछ अलग से सिस्टम बनाना होगा। और 1854 से ही सिविल सर्विसेज के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कि एग्जामिनेशन की शुरुआत की गई और 1855 में इंडियन सिविल सर्विसेज यानी कि ICS के एग्जाम्स एग्जामिनेशन के बेस पे होने लग गए और जब से अब तक एग्जामिनेशन के बेस पे ही होते हैं। लेकिन जब अंग्रेजों का राज भारत में हुआ करता था तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो कि लंदन में है यहीं पे स्टूडेंट्स को एग्जाम देने जाना होता था, लेकिन 1922 के बाद से इंडिया में ही सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन करवाए जाने लग गए। तो सिंपल आपको यही बताना है कि 1922 से पहले सिविल सर्विसेज यानी कि जो IAS के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए लंदन जाना पड़ता था जहाँ पे ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज के अंदर एग्जामिनेशन देना होता था, बट 1922 के बाद से अंग्रेजों ने इंडिया में ही एग्जामिनेशन करवाना स्टार्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि सिविल सेवाओं की संरचना यानी कि उनका स्ट्रक्चर क्या है। देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय सिविल सेवाओं की जो स्ट्रक्चर है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी, पहला सैन्य यानी कि सेनाओं के लिए, दूसरा नौसेना के लिए और तीसरा है वाणिज्यिक यानी कि ट्रेड एक्टिविटीज़ के लिए, यानी कि कॉमर्शियल पर्पज़ हो गया, ट्रेड एक्टिविटीज़ में सेना मिलिट्री के लिए और नौसेना के लिए, तो ये तीन ही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आया करते थे। कॉर्नवालिस के द्वारा जो कि भारत के गवर्नर जनरल रहा है कब 1786 से लेकर 1793 तक, तो कॉर्नवालिस इस टाइम पे ब्रिटिश सेना का एक जनरल के साथ साथ एक अधिकारी भी था जो सिविल सेवाओं यानी कि सिविल सर्विसेज को स्टार्ट करने वाला पहला व्यक्ति बना भारत के अंदर, इसलिए भारत की सिविल सेवा के जनक के रूप में यानी कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के रूप में जाना जाता है, किसको, चार्ल्स कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस के बाद वॉरेन हेस्टिंग आया जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में 1773 से लेकर 1785 तक इसने काम किया है, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे सिविल सर्विसेज के अंदर लोगों की नॉमिनेशन की जाती थी, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ करता था और ये नॉमिनेशन कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता था बिना एग्जामिनेशन के। आगे चल के सिविल सर्विसेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पहला अनुबंधित जिनको कन्वेंटेंट कहा गया, दूसरा असंबंध यानी कि अनकन्वेंटेंट कहा गया। अनुबंधित का मतलब होता है सिविल सर्विसेज के अंदर ऐसे लोग जो कि हायर पोस्ट पे होंगे और ये अंग्रेजों के साथ काम करेंगे, और असंबंध यानी कि अनकन्वेंटेंट का मतलब क्या होता है, सिविल सर्विस में काम करने वाले ऐसे लोग जिनका लोअर पोस्ट होगा और ये अंग्रेजों के साथ साथ भारतीयों के लिए भी काम करेंगे। तो इस तरीके से दो पोस्ट में कैटेगराइज किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या, सिविल सर्विसेज के अंदर काफी बार रिफॉर्म किए गए अंग्रेजों के टाइम पे, अब वो रिफॉर्म क्या थे चलिए वो देखते हैं। देखो सबसे पहले जो ब्यूरोक्रेट्स के अंदर यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो करप्शन है वो बढ़ता जा रहा था और इसको रोकने के लिए ही जो सिविल सर्वेंट है उनकी सैलरीज को बढ़ा दी गई थी और साथ ही कोई अपना प्राइवेट बिजनेस ना कर सके वो इस पे भी रोक लगा दी गई थी। और कॉर्नवालिस ने ये नियम बना दिया जिसका भी काम सही होगा उसको 5 से 6 साल के अंदर ही प्रमोशन दे दिया जाएगा, दैट मीन्स लोग अपने काम को सही से कर सके इसलिए सारी व्यवस्था की जा रही थी। एंड इसके बाद रिचर्ड वेलेज़ली आया, कब 1798 से 1805 तक इसने शासन किया ये भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में। इसने क्या किया, भारत के अंदर जो भी न्यू सिविल सर्वेंट आए थे उन सभी को कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज में 10 जुलाई 1800 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी, तो इस कॉलेज के अंदर इन सभी को ट्रेनिंग देने का काम किया ताकि ये अपने काम को सही से कर सके। इसके बाद 1853 के अंदर चार्टर एक्ट पास किया गया था और इस एक्ट के पास हो जाने से सिविल सर्विस के अंदर बहुत बड़े चेंजेस आए। वो चेंजेस क्या थे चलिए हम ये देखते हैं, क्योंकि अभी हम यही देख रहे हैं कि सिविल सर्विसेज की भारत के अंदर स्टार्टिंग कैसे हुई है। अभी तक हमने यही देखा कि कॉर्नवालिस के द्वारा सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग की गई, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसको बढ़ाया गया, अलग अलग सुधार किए गए ताकि लोग करप्शन ना करें जो भी सिविल सर्वेंट है। इसके बाद 1853 के अंदर जो कानून बनाया गया जिसको चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है
इसके द्वारा कई सारे चेंजेस किए गए। इसमें सबसे पहला चेंज तो यही हुआ कि एग्जामिनेशन को कंपलसरी कर दिया गया सिविल सर्वेंट बनने के लिए, यानी कि अब आईएएस बनना है तो एग्जामिनेशन देना होगा और इसके लिए बिल्कुल ओपन कंपटीशन होगा, जो भी चाहता है इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। जो रिक्वायरमेंट रखी गई है, जो उसको फुलफिल करता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना एग्जाम दे सकता है। 1854 में एग्जामिनेशन करवाने के लिए लंदन में सिविल सर्विसेज आयोग यानी कि कमीशन की स्थापना की गई और लंदन में जो कमीशन बनाई गई सिविल सर्विस कमीशन, और इसका काम था एग्जामिनेशन करवाना। इस तरीके से 1855 के बन जाने के ठीक एक साल बाद 1855 से ही और एग्जामिनेशन करवाए जाने लग गए, और ये एग्जामिनेशन सिर्फ लंदन में ही हुआ करता था। उस समय इसमें शामिल होने की जो आयु थी, एज थी, वो 23 एज रखी गई थी। चार्टर एक्ट 53 पास हो जाने के बाद से भारतीय भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, और 1861 में अनुबंधित यानी कि जो कन्वेंटेड पोस्ट थे, जो कि हायर पोस्ट है, उसमें भारतीय भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। पहले इस पोस्ट के ऊपर भारतीयों को पार्टिसिपेशन करने का राइट नहीं दिया गया था। आगे चल के 1861 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये पास किया गया और इसने अनुबंधित सेवाओं के अंदर सीटें भी रिजर्व कर दी, और उस टाइम पे ये एग्जाम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही हुआ करता था। और 1855 तक इसमें पार्टिसिपेट करने वालों की एज 23 थी, बट इसको घटाकर 1860 में 22 कर दी गई थी, और ये एग्जामिनेशन सिर्फ लंदन में ही करवाए जाते थे। तो जिस टाइम पे एग्जामिनेशन हुआ करता था तो अंग्रेजों को तो यही लगता था कि कौन इंडियन ऐसा होगा जो ये एग्जामिनेशन निकाल पाएगा इतनी कम एज में। तो 1863 में रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर ने ऐसे पहले भारतीय हुए जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और इसको पास भी कर दिया, और इनकी एज इस टाइम पे सिर्फ 21 हो रही थी। और जब इन्होंने पास कर दिया तो अंग्रेजों को ये लगा कि भाई ये क्या हो गया, तब जाके अंग्रेजों ने 1866 में इसकी एज को घटाकर 21 कर दिया। अब अंग्रेजों को ये लगने लग गया कि इतनी कम एज में अब कौन निकाल सकता है, अब निकाल के कोई दिखाए। जैसे ही एज को कम किया गया, इसके बाद चार इंडियंस ने और इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर दिया। फिर 1878 में लॉर्ड लिटन आया और इसने एग्जामिनेशन की जो एज है इसको 21 से कम कर 19 कर दिया। तो ऐसा भी नहीं हुआ कि 19 कर देने से इंडियंस निकाल नहीं पाएंगे, इसके बावजूद भी कई सारे इंडियंस ने सिविल सर्विस का एग्जाम दिया, उसको क्लियर भी किया, आईएएस भी बने। सत्येंद्रनाथ टैगोर तो एग्जाम निकाल भी दिए, वो बन भी गए, उसके बाद भी उन्होंने इसको ठुकरा दिया, मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा नहीं कर सकता कभी, तो ये कह के उन्होंने ठुकरा दिया। और इस तरीके से आज भी जिसको रिक्वायरमेंट है, एज रिक्वायरमेंट आज 21 है, यानी कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आज भी आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं। और आज इंडिया में जिसने भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और उसकी एज 21 है तो वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकता है। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी कई सारे कदम उठाए गए, जैसे कि 1919 में जो एक्ट पास किया गया, इसके बाद 1924 में लॉ कमीशन बनाया गया, और लॉ कमीशन के द्वारा काफ़ी सारे प्रपोजल यानी कि सिफारिशें दिए गए। लॉ कमीशन ने ये कहा कि जो प्रमोशन होंगे उसमें 20% इंडियंस होने चाहिए, और आगे चल के ये कहा गया कि 40% इंडियंस सीधे एग्जामिनेशन के द्वारा भर्ती किए जाने चाहिए और इसलिए सीटें रिजर्व की जानी चाहिए, और लॉ कमीशन के द्वारा ये जो कहा गया आगे चल के इसको माना भी गया। तो ये सारी बातें लॉ कमीशन के द्वारा कही गई। एंड प्रमोशन के कई सारे टाइप्स हुआ करते थे, जैसे कि निम्न सेवा से उच्च सेवा में जाना, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी कि फ्रॉम लोअर सर्विसेज टू हायर सर्विसेज। इसके बाद निम्न ग्रेड से उच्च ग्रेड तक जाना, यानी कि फ्रॉम लोअर ग्रेड टू हायर ग्रेड, एंड निम्न वर्ग से उच्च वर्ग तक जाना, यानी कि लोअर क्लास टू हायर क्लास। इसके बाद ही प्रमोशन के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, जैसे कि स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या था, इट मींस द चेंज ऑफ वर्क विद इन द सेम पोजीशन एंड सेम ग्रेड। दैट मींस कि जो आप काम कर रहे हो बस वो काम चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन जो आपकी पोस्ट है वो वही रहती थी, इसको ही ट्रांसफर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है पुनः संबंधेशन, दैट मींस रीअसाइनमेंट। रीअसाइनमेंट का मतलब क्या होता है, जब वर्क में चेंज किया जाता है बट जो उसका रैंक है वो वही रहता है, दैट मीन्स जिस पोजीशन पे वो अभी काम कर रहा है वो वही रहेगी। नेक्स्ट क्या है, एडवांसमेंट यानी कि सैलरी में इंक्रीज करना, यानी कि इट रेफर्स टू इंक्रीज इन पे। जो सैलरीज है उसको बढ़ाया जाता था जिससे कि जो सिविल सर्वेंट है वो अपने काम पे फोकस कर सके, ना कि करप्शन पे। तो इस प्रकार जो सिविल सर्विसेज की शुरुआत भारत में हुई है और आज़ादी के बाद से अभी तक सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते हैं, लोग एग्जामिनेशन देते हैं और हर साल लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, जिसमें से सिर्फ 800 से 900 लोग ही सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन क्लियर कर पाते हैं। तो इस तरीके से भारत के अंदर सिविल सर्विसेज की स्टार्टिंग हुई, जिसमें सबसे पहला पोस्ट आईएएस होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रूप में ये काम करते हैं, पहले एसडीएम फिर डीएम, इनका प्रमोशन होते रहता है। इसके बाद आईपीएस, आर्टिकल 312(2) भारत के अंदर आईपीएस को डिफाइन किया गया है और इसके बारे में 1861 के एक्ट में भी बिल्कुल डिस्क्राइब किया गया है। तो इस तरीके से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, दैट मींस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो इंडियन सिविल सर्विसेज में ये तीनों टॉप के सर्विसेज माने जाते हैं, इसके बाद आईआरएस वगैरह काफी सारे पोस्ट वगैरह हैं। इसके बाद ग्रुप ए, ग्रुप डी, ग्रुप बी, अलग अलग लेवल की यहाँ पे जॉब होती है, बट आईएएस सबसे टॉप लेवल पे आता है सिविल सर्विसेज के अंदर। तो सिविल सर्विस का जो स्ट्रक्चर है वो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज और स्टेट सिविल सर्विसेज, तीन लेवल पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। सिविल सर्विसेज के ऊपर चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए आपको आंसर यही लिखना है।
तो पहला तो इस तरीके से पूछा जाएगा जो आपको मैंने यहाँ पे बताया है, और इसको घुमाकर पूछा जा सकता है कुछ इस तरीके से। जैसे आपको ये कह दिया जाएगा कि भारतीय प्रशासन में औपनिवेशिक विरासत की समीक्षा कीजिए। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं की संरचना किस प्रकार की रही है और उनकी प्रमोशन के क्या शर्तें रही है, यानी जो काम करेगा, जिसका काम अच्छा लगेगा, उसके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा, उसको प्रमोशन मिलेगा, उसकी सैलरीज भी बढ़ेगी और उसकी रैंक और ग्रेड दोनों ही बढ़ेगी। और इसी क्वेश्चन को सेम यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया हुआ है, व्हाट हैज बीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया एंड व्हाट आर द कंडीशन ऑफ प्रमोशन इन द सिविल सर्विसेज। तो इस तरीके से ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद इस क्वेश्चन को घुमाकर इस तरीके से दिया जा सकता है, जैसे कि भारतीय प्रशासन में औपनिवेशिक विरासत की समीक्षा कीजिए, यानी कि एग्जामिन द कोलोनियल लेगेसी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरीके से घुमा के दिया जा सकता है, बट इसका भी आंसर वही होगा जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें भी बोला जा रहा है आपको कि औपनिवेशिक विरासत, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पे, यानी कि जब भारत गुलाम हुआ करता था, तो विरासत में हमें क्या मिला है, इंडियन सिविल सर्विसेज, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग अंग्रेजों के टाइम पे कॉर्नवालिस के द्वारा ही किया गया था और अब तक ये चला आ रहा है। तो इस तरीके से आपका पूरा बताना है कि कब इसकी स्टार्टिंग की गई है, कौन से सन में की गई है, कौन से एक्ट पास किए गए, जो अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया। ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री व कैबिनेट सचिवालय की भूमिका बताइए, यानी कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट सेक्रेटरिएट। अब आपको इसके अंदर बताना है पीएम और सचिवालय, इन दोनों के बारे में, और दोनों का ही बहुत बड़ा रोल होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। चलिए हम पहले समझते हैं एक एक करके, पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो, भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया है, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। और पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पे सारी पावर पीएम के पास होगी और देश का जो प्रेसिडेंट है वो पीएम के रिकमेंडेशन, यानी कि पीएम के सजेशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, और आज तक यही चला आ रहा है। और ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि हमने अपने आप ही बना लिया इसको, भारत के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया और ब्रिटिश के अंदर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था ही था, तो हमें अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया क्योंकि अंग्रेजों ने हम पे राज किया। तो दुनिया भर के अंदर दो पॉपुलर सिस्टम है, पहला पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा है प्रेजिडेंशियल सिस्टम, जिसको हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं, जो कि अमेरिका में है। उसमें क्या होता है, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, अगर होता भी है तो उसके पास पावर ना होकर सारी पावर्स देश के प्रेजिडेंट के पास होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश का जो प्रेजिडेंट होता है वो बाय द पीपल, यानी कि जनता के द्वारा ही इलेक्टेड होता है। बट भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर देश का जो प्रेसिडेंट है उसके पास नाम मात्र की शक्तियां होती है, जो प्रैक्टिकल जितने भी पावर्स दी जाती है वो सारी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पीएम को दी जाती है, क्योंकि ये इलेक्टेड होता है जनता के द्वारा। क्लियर है यहाँ पे, जो कि भारत के अंदर अपनाया गया पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी कि संसदीय शासन व्यवस्था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को थियोरिटिकल रूप से, यानी कि लिख दिया गया है कि सारी पावर्स राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति उन सभी पावर्स को प्रधानमंत्री की सजेशन के अकॉर्डिंग ही यूज कर सकता है। इसलिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो देश का जो सबसे पावरफुल नेता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है, क्योंकि पूरे देश को प्रधानमंत्री ही चलाता है। क्लियर है यहाँ पे। और प्रधानमंत्री यानी कि पीएम के द्वारा सभी चीज़ों को अकेले तो चलाया नहीं जा सकता, इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं जिनको मिनिस्टर संभालते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है, यानी कि एक मंत्रिपरिषद बनाता है, और इस मंत्रिपरिषद के अंदर वो सारे मंत्री होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करते हैं शासन, यानी कि रेगुलेट करने में, यानी शासन करने में, देश को चलाने में हेल्प करते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में अलग अलग मिनिस्टर्स आते हैं, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि सबसे करीबी होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, जिनको हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, जिसमें टोटल मिनिस्टर के सिर्फ 15 से 20 मेंबर ही होते हैं, बाकी जो बच गए वो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर स्टेट मिनिस्टर्स या अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं। देखो, जो कैबिनेट सेक्रेटरिएट है ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी काम किए गए हैं उसके लिए। तो पहले हम ये देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया गया भारत में, तो जाहिर से बात है कि प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर है और पावरफुल पर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही है। प्राइम मिनिस्टर को भारत का सबसे सुप्रीम लीडर कहा जाता है, जो पूरे देश को रेगुलेट कर रहा होता है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में अंबेडकर जी का कहना था कि वास्तव में प्रधानमंत्री संपूर्ण तंत्र की धुरी है। भारत की संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का जो स्थान है, जो पोजीशन है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे देश का राजनीतिक और वास्तविक प्रशासक कहा जाता है, क्योंकि देश की उसको गृह नीति यानी कि देश की जो पॉलिसीज है, कानून है, ये बनाना होता है। और जो फाइनेंशियल पॉलिसी है कि एक देश का यानी कि इंडिया का कैसा रिलेशन हुआ किसी दूसरे देशों के साथ, ये भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर गाइडेंस में ही बनाई जाती है। तो वह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का भाग्य विधाता होता है, ये किसका कहना है, यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कहना है। तो रोल क्या है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, यानी कि देश में प्रधानमंत्री का, चलिए हम ये देखते हैं। सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास एग्जीक्यूटिव पावर होता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कार्यकारी शक्तियाँ, और कार्यकारी शक्तियाँ का मतलब कि प्रधानमंत्री क्या काम करता है। प्रधानमंत्री सारी पॉलिसीज बनाता है और इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ा रोल प्राइम मिनिस्टर का ही होता है।
लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं ये सभी मिलकर जितनी भी पॉलिसीज है इन सबको पहले देखते हैं, ये समझते हैं और जो भी जनता की इंटरेस्ट है, जो भी जरूरत है उसके ऊपर कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है कि मेन जो काम है प्राइम मिनिस्टर का वो क्या होता है। देखो, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का नेता होता है, पार्लियामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करता है, और कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब जो पीएम है और पीएम के जितने मिनिस्टर्स हैं और राष्ट्रपति यानी कि देश का जो प्रेसिडेंट है, इनको मिलाकर कार्यपालिका बनता है, एग्जीक्यूटिव कहा जाता है इसको। ये एग्जीक्यूटिव विधायिका में, विधायिका का मतलब पार्लियामेंट यानी कि देश का संसद, संसद में बैठकर ये सभी डिबेट करते हैं कि देश के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है, किस पे कानून बनना है क्या नहीं बनना है, इस चीज़ के ऊपर जो बात की जाती है। तो फाइनली उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वही बनता है जिसका सदन में यानी कि पार्लियामेंट के अंदर मेजोरिटी होता है, लोकसभा के अंदर उसका मेजोरिटी यानी कि बहुमत होना चाहिए, और पार्लियामेंट के अंदर राष्ट्रीय समस्याओं यानी कि जो नेशनल इश्यूज हैं और जो जितने प्रोग्राम चल रहे हैं, जो योजनाएं चलानी हैं, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए क्या काम करना है, पॉलिसीज बनाना है, तो ये सब एक्टिविटीज़ पार्लियामेंट के अंदर अंडर गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अपॉइंटमेंट पावर्स, यानी कि ये अपॉइंटमेंट भी करते हैं, यानी कि देश के जो प्रधानमंत्री है इनके ही रिकमेंडेशन से जितने भी अपॉइंटमेंट है वो की जाती है, यानी कि नाम तो राष्ट्रपति का आता है कि राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया गया है, लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही दी जाती है। आर्टिकल 74 के अंदर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, साफ कहा गया ये। तो किस किस कमीशन में अपॉइंटमेंट किया जाता है, सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीईसी की, एंड इसके बाद जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है उनका भी अपॉइंट किया जाता है, इसके बाद यूपीएससी के चेयरपर्सन और जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, बट रिकमेंडेशन देश का पीएम करता है। इसके बाद चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सबका जो अपॉइंटमेंट है वो देश के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, बट रिकमेंडेशन देश का पीएम करता है। तो अपॉइंटमेंट्स वाले जितने भी वर्क हैं ये पीएम के रिकमेंडेशन से ही होता है। तो लेजिस्लेटिव यानी कि पार्लियामेंट में जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं उन कानूनों पे बात करना, मेजोरिटी से पास करवाना, तो ये सब अंडर गाइडेंस ऑफ पीएम के ही होता है। तो ये सारे मेन काम है हमारे देश के प्रधानमंत्री का। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है, संसद में काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, जैसे कि संसद में बजट पास करना एंड प्रश्न काल यानी कि क्वेश्चन पूछना, विश्वास मत पास करना एंड अविश्वास प्रस्ताव लिखाना, अगर लगे कि गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, गवर्नमेंट मेजोरिटी खो दिया है, तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया जाता है, और अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो प्राइम मिनिस्टर के साथ पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है, बट ऐसा कम केस में ही होता है। तो पार्लियामेंट में जितने भी एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं यानी कि सरकार के जो मेंबर हैं उन सभी को जवाब देना होता है जो अपोजिशन के द्वारा जिस पार्टी की सरकार है उनसे पूछा जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बनाकर इसको इजीली लिखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो प्राइम मिनिस्टर की भूमिका है वो भी काफ़ी बड़ी है, क्योंकि आज़ादी के टाइम से भी देखा जाए तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन किया गया था, जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही की गई थी, जिसमें टोटल 5 मेंबर स्टार्टिंग में शामिल थे, जिसके अंदर भारत का बहुत बड़ा रोल था। तो इस तरीके से स्टार्टिंग से ही भारत ने अपनी छवि दुनिया भर में शांति प्रिय देश की बनाई है, और आज भी भारत हमेशा शांति की बात करता है। दुनिया भर के अंदर भारत को हमेशा से इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है भारत, और हमेशा देश चाहते हैं कि भारत से अच्छे रिलेशन बने रहे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जब भी किसी देश में विजिट किया जाता है तो बहुत जोरदार ढंग से उनकी स्वागत की जाती है, यानी कि अभी जो करंट की गवर्नमेंट है बेशक किसी काम में सही रही हो, किसी काम में सही ना रही हो, बट जो फॉरेन पॉलिसी है अभी की गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी में सबसे सफल मानी जाती है, क्योंकि भारत की इमेज जो है दुनिया भर के अंदर अभी की करंट गवर्नमेंट ने इस तरीके से बनाई हुई है, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री जो हैं खुद जयशंकर जी एक आईएएस ऑफिसर रहे, एक भारत इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वर्क कर चुके हैं, तो उनको इसका अच्छा खासा अनुभव है। तो इंडिया की जो इमेज है वो फॉरेन मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही पूरी दुनिया भर के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई जाती है, और आज़ादी के बाद इसका पूरा ख्याल रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं मंत्रिमंडल सचिवालय। देखो, मंत्रिमंडल सचिवालय एक ऐसा समूह होता है जो उच्च स्तर पर, जो बड़े लेवल पे देश में जो काम किया जाने वाला है वो यहीं से काम किए जाते हैं। तो कैबिनेट सचिवालय को प्रधानमंत्री सचिवालय के साथ जोड़ दिया गया, और एन आर पिल्ले भारत के पहले कैबिनेट सचिव नियुक्त किए गए, और कैबिनेट सचिव का मतलब ये हुआ जो जितने भी कैबिनेट के डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको रेगुलेट करता है, और कैबिनेट सचिव का मतलब ये हुआ कि जिस भी डिपार्टमेंट का वो कैबिनेट सचिव बना है वो अपने आप में उस पूरे डिपार्टमेंट को संभालता है, प्रधानमंत्री को सजेशन देता है यानी कि एडवाइस देते रहता है, और एक दिन में तो कई बार कैबिनेट सचिव से बात किया करते हैं प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से कैबिनेट सचिवालय का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कैबिनेट सचिवालय का जो पहला वर्क है, कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा जो भी मीटिंग की जाती है उनका कार्यसूची बनाना, उनका शेड्यूल बनाना, जितने भी डिबेट्स चल रहे हैं, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उन सबका लेखा जोखा तैयार करना, और ज्ञापन निकालना कि अब क्या वर्क हो रहा है और कितना अभी बाकी है।
इसके बाद ये प्रारंभकर्ता के रूप में काम करते हैं, यानी कि इस रूप में कैबिनेट सचिवालय तीन प्रकार के प्रारंभिक कार्य करते हैं, यानी कि मंत्री परिषद में जितने भी मंत्री हैं या राज्य मंत्री हैं या उप मंत्री हैं या संसदीय सचिव हैं, इन सबकी नियुक्ति भी करते हैं कैबिनेट सचिवालय। और इनका क्या डिपार्टमेंट होगा, डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं, किसी को रिजाइन देना हो तो भी वो कैबिनेट सचिवालय को ही देते हैं, क्योंकि कैबिनेट सचिवालय का मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री का ऑफिस, जहां से पूरे देश के लिए काम किया जाता है। एंड सेकंड पॉइंट में क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुच्छेद 77(3) के प्रोविजन के अकॉर्डिंग कानूनों का निर्माण करना जो सरकार के कार्यों की सुविधा अनुसार हो, तो कानूनों को बनाने में जो हेल्प किया जाता है वो कैबिनेट सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है, आर्टिकल 77 क्लोज 3 के अकॉर्डिंग। क्लियर है। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पे सरकार की नीतियों को लागू करने और उनमें कोऑर्डिनेशन बनाने का जो काम है, किस डिपार्टमेंट में काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब की जो देखरेख है वो कैबिनेट सचिवालय यानी कि वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल यानी मिनिस्टर्स के द्वारा क्या काम किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं, उनको एडवाइस भी कैबिनेट सचिवालय के द्वारा ही दिया जाता है। प्रस्ताव को तैयार करना, विदेशों के साथ कौन से एग्रीमेंट करना है, कब करना है, संसद में कौन से मामले अभी पेंडिंग चल रहे हैं, इन सब के ऊपर चर्चा करवाना, ये सब कैबिनेट सचिवालय का काम होता है। आप कह सकते हो कि पूरे देश में जो हमें चेहरे दिख रहे हैं वो तो सिर्फ हमें चेहरे दिख रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही है जो पूरे देश के लिए काम कर रहा होता है पर्दे के पीछे रहकर। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो हेल्थ मिनिस्टर है, तो हेल्थ मिनिस्टर पूरे देश भर के अंदर दौरा करेंगे भाई, किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, कमियाँ क्या है ये सब देखेंगे, बट इनका काम कौन करेगा, इनका काम करेगा जो हेल्थ सेक्रेटेरिएट होगा, दैट मीन जो हेल्थ मिनिस्ट्री का हेल्थ सेक्रेटेरिएट यानी कि जो स्वास्थ्य सचिव होगा। तो क्या होता है, जितने भी मिनिस्टर हैं उन सबका एक मुखिया होता है, उसी को हम सचिव के नाम से जानते हैं। तो सभी डिपार्टमेंट का एक सचिव होता है, जो कि ये एक IAS ऑफिसर ही होते हैं, और इनका प्रमोशन होकर ये एक सचिव बन जाते हैं, और सचिव सबसे सुप्रीम पोस्ट होता है एक IAS ऑफिसर के प्रमोशन का। कैबिनेट सचिव का जो रैंक है वो भारत में सबसे सुप्रीम पोस्ट है, इसके ऊपर कोई पोस्ट ही नहीं है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है उन सबको ये संभालते हैं, और जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सभी डिपार्टमेंट का एक एक सचिव होता है, और यही सचिव कैबिनेट सचिव बनाते हैं, यानी कि इनसे पूरा मिलकर एक कैबिनेट सचिव बनता है। तो जैसे हेल्थ में सचिव होता है उसी तरीके से होम मिनिस्ट्री में होगा, उसी तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो सभी डिपार्टमेंट के अंदर तो एक एक सेक्रेटेरिएट डैट मीन्स एक सचिव होता है। तो जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं ये मोस्ट सीनियर और प्रोमिनेंट IAS ऑफिसर होते हैं, डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी वर्क किया जा रहा है इन सब का जो आंसर है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा ही दिया जाता है। आपने देखा हो जब भी कोई ऐसी कांड हो जाती है तो सचिव के द्वारा ही उसका आंसर दिया जाता है। और कैबिनेट सेक्रेटरी का जो पोजीशन है वो एक मेजर रोल निभाता है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि मिनिस्टर्स के सारे वर्क यही कर रहे होते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, देर आर मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि भारत के अंदर ऐसे अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं जैसे कि कैबिनेट, मिलिट्री, रो, सिविल विंग्स, ये पूरे देश को संभाल रहे होते हैं। आप कह सकते हो कि हमारे देश की ये बैकबोन होती है, क्योंकि कैबिनेट पूरे देश के लॉज बना रहे हैं, मिलिट्री देश को प्रोटेक्शन दे रही है, रो क्या करती है, हमारा जहाँ पे बॉर्डर खत्म होता है तो उसके पहाड़ जो भी भारत के लिए साजिशें की जा रही है उन साजिशों का पता लगाता है, और ये खुफिया एजेंसी के रूप में काम करता है, और इसकी जानकारी सरकार तक ला के देता है, जैसे कि सिविल विंग वगैरह हो गए, ये सब हमारे देश की प्रोटेक्शन के लिए ही कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या, जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं ये सबसे सुप्रीम पोस्ट है, जितने भी सिविल सर्वेंट है भारत के अंदर उन सभी का बॉस कह सकते हो आप यही होते हैं। एंड कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वो एक एडवाइजर के रूप में काम करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर जो है उन सबको एडवाइस यही देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके पास जो वर्क एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा होता है और ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को समझ रहे होते हैं ये। तो इस तरह के जो पॉलिसीज को बनाने वाले हैं, देश को चलाने वाले हैं, वो IAS ऑफिसर यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स वही हैं जो कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं आगे चल के, और यही हमारे देश की पॉलिसीज को बनाने में अपना बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण की अवधारणा को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया आफ्टर 73rd अमेंडमेंट। आपको इस वाले क्वेश्चन में ये बताना है कि भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कैसी हुई है 73rd अमेंडमेंट से पहले, ये कंपलसरी नहीं था स्टेट के अंदर होना, बट 73rd अमेंडमेंट के बाद इसको कंपलसरी कर दिया गया, सभी स्टेट के अंदर पंचायती राज की व्यवस्था होगी। तो इसके ऊपर दो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला 73rd अमेंडमेंट क्या है यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब, और इसमें आपको ये बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था का मतलब क्या होता है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ है, और ग्राम सभा के मेन क्या वर्क होते हैं, इसमें ये बताना है आप सभी को। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो इस प्रकार होता है, पंचायत राज की प्रमुख समस्याएँ क्या है, उनका समाधान किस प्रकार हो सकता है, यानी कि व्हाट आर दी मेन प्रॉब्लम्स ऑफ पंचायती राज एंड हाउ कैन दे बी रिसॉल्वड, गिव सजेशन। तो 73rd अमेंडमेंट यानी कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई है,
आखिर इसका मेन काम क्या है और 73rd अमेंडमेंट यानी कि 73वां संविधान संशोधन बताने के बाद आपको यह भी बताना है कि पंचायती राज के अंदर क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स है, आखिर उनका सॉल्यूशन क्या है। चलिए मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही फॉर्मेट में समझाता हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए आंसर को स्टार्ट करते हैं। गांव में रहते हो या शहरों में रहते हो, गार्बेज डंप्स बहुत ज्यादा है, वहां पे कूड़ा करकट भरा है, किसके पास जाओगे? हैं किसके पास? जो संसद में बैठे उनके पास जाओगे? नहीं ना। ऐसे ही अगर आपके एरिया के अंदर दोस्त आपकी रोड खराब हो गई है, नालियां पूरी कचरे से पूरी भरी पड़ी है, नालियां पूरी खराब हो पड़ी है, गंदगी पानी की समस्या आ रही है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए आप किसके पास जाओगे? हैं दोस्त, जो चाहे कितने भी बड़े लोग संसद भवन में बैठे हों, लेकिन जो गांव की असली जो चाल होती है वो डिसाइड उस गांव के ही लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि एक गांव की प्रॉब्लम क्या है ये संसद भवन के अंदर लोग बैठे हुए नहीं समझ सकते। इसलिए एक बहुत बड़ी इसके रिगार्डिंग समस्या है भारत में कि गांव की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। पर्टिकुलर उस गांव के लोग अपने गांव की प्रॉब्लम को बेहतर समझते हैं एज कम्पेयर टू एक पार्लियामेंट के मेंबर, उस विधायक। क्यों? क्योंकि उस गाँव की प्रॉब्लम जो क्या चल रही है ना, वहाँ के लोग अच्छे से जानते हैं। गाँव में पुराने समय की बात बता रहा हूँ, पेड़ों के नीचे बैठकर इस तरीके से किया करते थे, है ना, देखा होगा आपने ये। तो उस तरह की प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाती है। अब भाई बात भी तो कुछ यूँ है ना कि भारत तो गाँवों का देश है, 82% भारत की पॉपुलेशन गाँवों में रहा करती थी। अब ना जाके सिटीज़ में हम दोस्त शिफ्टेड हो रहे, लेकिन गांव तो अपने आप में बहुत बड़ा है भाई। और इस तरह के दोस्त भारत के अंदर पेड़ों के नीचे बैठकर पंचायती राज व्यवस्था का सिस्टम बहुत पुराना है, ये प्राचीन काल चला आ रहा है। क्योंकि इसके विकास में किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, सबसे पहले बात आते हैं हम गांधी जी की। गांधी जी पंचायती राज व्यवस्था के सबसे पहले ऐसे इंसान हुए जिन्होंने इसका समर्थन किया। और इनका ये मानना था, क्या मानना था इनका, कि यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात इनकी गांधी जी की ये थी, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था जो है ये गांधी जी का ही सपना था कि गांव का हर एक इंसान है अपना शासन खुद चला पाए और अपनी गांव की प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाए। तो गांधी जी का ये सपना था, इसलिए गांधी जी ने कहा कि गांव का है हर एक इंसान पार्टिसिपेट करे। और इस तरीके से यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा, वह भारत नहीं होगा, विश्व में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत गांव पे डिपेंड है। जवाहरलाल नेहरू, इनका कहना था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। क्यों? उनको मानना था कि उनको काम करने दो चाहे वो हजारों गलतियां करें, क्योंकि गलतियां करके ही कोई इंसान सीखता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पंचायतों को अधिकार दो, अधिकार होगा वो काम करेंगे, काम करने का एक्सपीरियंस आएगा, अपने आप ही गांव भी कहोगे हैं इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे और गांव के लोग अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर पाएंगे। यहीं पे एक प्रोफेसर आते हैं हमारे, रजनी कोठारी जी, काफ़ी नाम इनका प्रोफेसर के रूप में है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, इनके बहुत सारे थॉट्स हैं। इन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था से इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। है क्या शक्तियों का जो बंटवारा है ना, सेंटर पे, स्टेट पे और एक नीचे लेवल पे, लोकल लेवल पे भी पंचायती राज व्यवस्था के अंदर भी क्या होगा, शक्तियों का बंटवारा होगा। भारत एक फेडरल कंट्री है, हैं फेडरल मतलब भारत को दूसरे संघीय राज्य बनाया गया, क्योंकि आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया डेट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत एक राज्यों का संघ होगा। और राज्यों का संघ मतलब है कि भारत राज्यों को मिला के बनेगा, छोटी छोटी यूनिट्स को मिला के भारत पूरा बना हुआ है। इसलिए उस राज्य के अंदर जो गाँव है उस गाँव को एक शक्तियाँ मिल जाएगी, तो क्या होगा है डिसेंट्रलाइजेशन, है हिंदी में कहते हैं विकेंद्रीकरण। जब शक्तियों का बंटवारा हो जाता है उसको कहते हैं विकेंद्रीकरण। सेंट्रल लेवल पे, केंद्रीय लेवल पे है ना, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कह सकते हैं हम पंचायती सरकार, है ना, ये तो तीन सरकार पे हम कह सकते हैं कि जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो हमारा लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत भी होगा वो। इस तरीके से गांधी जी और विनोबा भावे, इन्होंने ही आज़ादी के समय यानी कि जब स्ट्रगल चल रहा था तो इन्होंने सपना देखा था कि जैसे ही भारत आज़ाद होता है भारत के हर एक गांव के अंदर पंचायती व्यवस्था होना चाहिए। इन्हीं दोनों के सपनों को साकार करने के लिए भारत के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना भी पड़ा है यार। क्यों? देखो ना यार, गांधी का जो सपना था ना, लेकिन उस सपने को साकार जैसे भारत आज़ाद हुआ इसको संविधान में जगह ही नहीं दिया गया। किसको? पंचायती राज व्यवस्था को। अभी समझते हैं हम किस तरीके से, क्यों? क्योंकि इसको डीपीएसपी में डाल दिया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में डाल दिया गया था आर्टिकल 40 के अंदर। पता है आपका डीपीएसपी क्या है, स्टेट की मर्जी है वो लागू करे या ना करे, अगर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में तो कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक विकास को जाने बिना आप पंचायती राज को नहीं समझ सकते, इसका इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है। ये देखिए, सबसे पहले जब बात करते हैं तो 1870 के अंदर, 1870 के अंदर लॉर्ड मेयो के द्वारा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी कि भारत में यह होना चाहिए, बट इंप्लीमेंट नहीं होता। इंप्लीमेंट जो हुआ यह किया किसने? लॉर्ड रिपन ने, दोस्त इंग्लैंड के जो
प्रधानमंत्री है उनके बेटे हुए थे ये, कौन? लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा 28 मई 1882 को मद्रास में दो सबसे पहले है पंचायत की व्यवस्था को इंप्लीमेंट कर दिया गया है, स्थानीय स्वशासन एक्ट पास कर दिया गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पंचायत की जो शुरुआत हुई मॉडर्न पीरियड या अंग्रेजों के टाइम के अंदर वो 1882 में हुई और किसने की? लॉर्ड रिपन ने करी। इसलिए स्थानीय शासन या पंचायती राज व्यवस्था के रूप में लॉर्ड रिपन को भारत का यानी कि लॉर्ड रिपन को क्या जनक कहा जाता है, हैं? फादर ऑफ पंचायती राज कह सकते हो, फादर ऑफ सेल्फ रूल के अंदर भी इसको जाना जाता है, ठीक है। लॉर्ड रिपन को ही पिता कहा गया, जनक कहा गया, क्योंकि भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को शुरुआत करने का जो क्रेडिट है वो जाता है लॉर्ड रिपन को, जो कि 28 मई कब 1882 को किया गया सबसे पहले। ये ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको शक्तियाँ देना और उसको मजबूत बनाने की बात करें और ये बोला कि हर एक गाँव के अंदर पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। तो दोस्तों संविधान सभा के अंदर यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर सबसे पहले नारायण अग्रवाल जी ने क्या पंचायती राज व्यवस्था की आवाज़ उठाई। इसके बाद स्वतंत्र भारत, जब भारत आज़ाद हो गया है ना, क्योंकि जो संविधान सभा है जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली उसकी बैठक तो 1946 से स्टार्ट हो गई थी, जब भारत गुलामी था, आज़ाद तो हुआ नहीं था, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ आफ्टर 1947 तो उसके बाद सबसे पहले जो थे वो जे सी कुमारप्पा ने पंचायती राज व्यवस्था की बात करी। और इसी के बाद भारत के संविधान के भाग 4 में जो कि दिया गया है क्या, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इंग्लिश में कहते हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको इसमें डाल दिया गया कि भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। ये अनुच्छेद आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 40 में दिया गया है क्या, डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में दिया गया है कि भारत के अंदर पंचायती राज यानी कि पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। आर्टिकल 40 डीपीएसपी में होने के कारण ये राज्यों की मर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आपने डीपीएसपी के बारे में पढ़ा हुआ है पहले, अगर नहीं देखा आपने उस मेरी वीडियो तो जरूर देख लेना, क्योंकि डीपीएसपी का मतलब क्या है, स्टेट पर डिपेंड करता है वो उसको इंप्लीमेंट करे या ना करे, है ना। अब ये कंपल्सरी नहीं है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और इसी के बाद दोस्त भारत में दिक्कत ये आई कि गांधी जी का जो सपना हुआ करता था उसको संविधान के अंदर कंपलसरी ना करके डीपीएसपी में डाल दिया गया और यही दिक्कत ये आई कि स्टेटों ने इसको लागू ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि कौन स्टेट इसको लागू करना चाहेगा? पता है जब पंचायती राज व्यवस्था जिस स्टेट में अंदर होता है उस स्टेट के अंदर पंचायतों को शक्ति, स्टेट गवर्नमेंट की शक्ति दी जाती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की शक्ति कम करके तो दी जाती है पंचायतों को। तो ये सब मतलब झोलमाल चलना स्टार्ट हो गया, इसलिए भारत के अंदर दोस्त पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट नहीं हो पाया इस समय भी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसको डीपीएसपी में डाल दिया गया। हाँ, ये बात जरूर था कि इसके लिए थोड़े मतलब कि सुझाव दिए गए, रिपोर्ट्स दिए गए, वो हम आगे बात करेंगे भारत के अंदर किस तरीके से पंचायत कंपलसरी रूप से लागू हुआ, ठीक है दोस्त। तो ऐतिहासिक विकास के अंदर जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग कमिटीज़ बनती हैं, जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति होगी, कमिटीज़ होगी, अशोक मेहता समिति होगी, है ना, एंड जी वी के राव समिति हो गई, एल एम सिंघवी समिति हो गई, थुंगन समिति, गाडगिल समिति, ये सब दोस्तों अलग अलग कमिटीज़ हैं जिन्होंने अपने रिपोर्ट दिया इस बात को लेकर कि भारत का जो एक्चुअल में अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करना होगा कंपलसरी रूप से सभी स्टेट्स के अंदर, है ना। और इस तरीके से इन सभी रिपोर्ट्स को हम चर्चा करेंगे, भारत के अंदर पंचायतों के विकास में इन सभी कमिटीज़ ने अपना रोल निभाया है। चलिए हम स्टार्टिंग से आते हैं पंचायतों के विकास में। सबसे पहला पॉइंट होगा ये कि दोस्तों फाउंडेशन है एक, जो कि अमेरिकन फाउंडेशन है, फोर्ड फाउंडेशन इसका नाम है। इस फाउंडेशन ने अमेरिका ने तो अमेरिका की हेल्प से भारत के अंदर 1952 में क्या हुआ था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था। क्या चलाया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसको बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन 1952। इस प्रोग्राम के अंदर ये कहा गया कि भारत के अंदर सभी ग्रामीण लोगों, जो गाँव के अंदर लोग रहते हैं, उनको सस्ते बीज दिए जाए ताकि वो एग्रीकल्चर में, खेती में मतलब इंडिपेंडेंट हो, खेती भी अच्छे से कर पाए, और उनको बेहतर तकनीक, अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए, पहली बात तो ये। और एक गांव का विकास किस तरीके से हो सकता है इसके ऊपर चर्चा करने की
बात की गई इस कार्यक्रम के द्वारा। इस कार्यक्रम के अंदर तमाम सरकारी अधिकारियों को जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको शामिल किया गया था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कार्यक्रम की ये हुई क्योंकि इसमें गवर्नमेंट्स अधिकारी को शामिल तो किया गया, लेकिन दोस्त जिस गांव की समस्या को सॉल्व करना है उस गाँव के लोगों को ही शामिल नहीं किया गया, यानी कि इसमें सिर्फ सरकार ही लोग थे। अब सोचो जरा यार कि एक गांव के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, पर्टिकुलर किसी गांव के अंदर आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम है आपके एरिया के लोग बेहतर जानते होंगे। यही प्रॉब्लम ये हुई कि इसके अंदर सरकारी लोगों को ही शामिल किया गया, लोगों को जो जनता है ना एक्चुअल में उनको पार्टिसिपेट करने ही नहीं दिया गया, वो कहीं नहीं मिला। इसलिए दोस्त ये जो प्रोग्राम रही है असफल हो गई, यानी कि सफलता नहीं मिल पाई इसको, ये फेल हो गई है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी की कमी रही, जो एक्चुअल में जो पब्लिक है ना, पब्लिक का जो रोल है वो बहुत कम रहा और इस तरीके से इसको फेल माना गया। क्योंकि इसमें दोस्त खर्चा भी बहुत हुआ था इस कार्यक्रम के अंदर, फिर भी सफलता हाथ नहीं लगी। आगे चल के दोस्त क्या होता है, बलवंत राय मेहता समिति बनाई जाती है। इस समिति को इसलिए बनाया गया था ताकि जो 1952 में जो ये प्रोग्राम चलाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम चलाया गया था, उसको देखना कि उसकी क्या कमियाँ रहेगी, वो क्यों नहीं हो पाया। तो उसकी कमियाँ तो साफ थी भाई, जनता का रोल नहीं था उसके अंदर, पहली कमी तो बस यही रही। तो यही कमेटी सबसे पहली आई है ना, जिसको 1957 में बनाया गया। इसके जो चेयरमैन थे वो थे बलवंत राय मेहता, इन्हीं के नाम पे इस कमेटी को बनाया गया था, इसलिए इसको बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जाना जाता है, बलवंत राय मेहता कमेटी के नाम से जाना जाता है, जो कि 1957 में बनाई गई थी। ये रहे बलवंत राय मेहता जी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि भारत के अंदर पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए, तभी भारत के अंदर जो गाँव है उनका एक्चुअल में विकास भी हो सकता है, उनकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी हो सकता है, सबसे बड़ी बात तो ये। और इन्होंने क्या कहा, अगर पंचायती राज व्यवस्था हो तो थ्री टायर पे हो, थ्री टायर मतलब सबसे ऊपर जिला परिषद हो, सबसे ऊपर जिला परिषद है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पता ना, वो बहुत सारे गांव मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कि जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। नेक्स्ट होगी पंचायती समिति है ना, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे होगी, कहां पे, मध्यवर्ती स्तर पे यानी कि मिडियल एंड ब्लॉक लेवल पे कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो थर्ड होगी वो होगी ग्राम पंचायत, इनका इलेक्शन डायरेक्ट होगा, और ये जो होंगे इनका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होगा, इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है। जो जिला वाला ये वाला जो होगा ये सबसे मतलब ऊपर होगा, ये बीच में, और ये ग्राम पंचायत सबसे नीचे, ये सबसे नीचे वाला जो इन्हीं का सिर्फ इलेक्शन होगा, जो कि गाँव के अंदर जिनका ग्राम मुखिया नहीं कहते हम, सरपंच जिसको कहते हैं हम, पाँच मेंबर हैं ग्राम पंचायत, पंच पंच मतलब क्या होता है पाँच, यानी कि एक ऐसी पंचायत जिसके अंदर टोटल पाँच मेंबर होंगे और वही क्या करेंगे, गांव के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है, पंचायत, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम एक एक चीज़ समझते हैं कि इसके बाद इस कमेटी ने कहा क्या। इस कमेटी ने ये कहा कि नियोजन यानी कि एक गांव के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है और विकास के लिए कौन कौन सी पॉलिसी बनानी है, इन सभी एक्टिविटीज़ को गाँव के लोगों पर छोड़ दिया, यानी कि पंचायत जो बनकर आएगी चुनकर आएगी उनको दे दिया जाए, वही अपने गांव को अच्छे से विकास कर लेंगे। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने ये बात कही, ठीक है, प्लानिंग और डेवलपमेंट की जो भी पॉलिसी होगी वो पंचायत खुद बनाएंगे अपने गांवों के लिए, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने क्या कहा, अभी दोस्त मैंने आपको बता दिया, इन्होंने थ्री टायर की बात करी है, इट मीन्स यानी कि जो गवर्नमेंट होगी पंचायत लेवल पर है ना, ग्राम पंचायत जो बनने वाली है वो थ्री टायर पे होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे एंड ग्राम लेवल, गांव लेवल के ऊपर। तो तीन होगी, समझ आ गया आपको, जो ग्राम पंचायत है उसका चुनाव जो होगा वो डायरेक्ट होगा, एंड जो पंचायत समिति है और जो जिला समिति है इसका जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट होगा, एंड जो जिला परिषद है, जिला परिषद जो मैंने आपको बताया जो सबसे ऊपर होगा, ये देखिए कि जो सबसे ऊपर जो होगा जिला परिषद, इसके जो चेयरमैन होंगे वो उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर होंगे, जो कि एक IAS ऑफिसर होते हैं है ना, कौन होंगे है जिला अधिकारी, ठीक है, कलेक्टर होंगे, ठीक है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने की इन्होंने बात करी कि अगर इस तरीके से होता है तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, शक्तियों का एक एक करके बंटवारा होगा और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी भी मजबूत होगा। 1959 में जाकर 2 अक्टूबर 1959 को भारत में सबसे पहले राजस्थान के अंदर नागौर जिला था, वो कौन सा जिला, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंचायत व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया कानूनी रूप से, लीगल रूप से। भारत में ऐसा सबसे पहला राज्य जिसने पंचायत को लागू किया वो कौन था, राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी इम्प्लीमेंट कर दिया पंचायत व्यवस्था को, इस तरीके से पहला राज्य माना जाता है राजस्थान को और दूसरा राज्य माना जाता है आंध्र प्रदेश को, लेकिन दोनों ने सेम ईयर में किया है, 1959 में ही किया है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अब हम बात करते हैं अशोक मेहता समिति की। जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति ने थ्री टायर की बात करी थी,
डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और ग्राम गांव लेवल पे, तीन लेवल पे बात कर रही थी। लेकिन अशोक मेहता समिति ने एक अलग ही बता दी, इन्होंने बोला कि नहीं पंचायत व्यवस्था इंप्लीमेंट हो लेकिन टू टायर हो, है ना, ये जो बीच की ये जो लेवल है इसको खत्म कर दिया जाए। ये देखिए, ये है दोस्तों अशोक मेहता जी, इन्होंने क्या कहा, ये जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये होना चाहिए और जो ग्राम लेवल पे है उसका नाम मंडल पंचायत होना चाहिए। मंडल पंचायत मतलब इसके अंदर मतलब कि दो तीन गांवों को मिलकर बनाया जाएगा ये मंडल पंचायत, बस। यानी कि इन्होंने टू टायर की बात करी, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मंडल पंचायत होनी चाहिए बस, इसको इन्होंने ख़त्म करने की बात करी। किसको, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे, इसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बस यही दो होना चाहिए। और 15 से 20,000 की आबादी पर एक मंडल पंचायत की व्यवस्था होनी चाहिए जिसका इलेक्शन डायरेक्ट होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। 73rd और 74th ये जो कानून है जब इम्प्लीमेंट ये नहीं हुआ था, इससे पहले के जो टाइम पीरियड था इसके दौरान राज्यों पर डिपेंड था वो अपने स्टेट के अंदर पंचायती राज सिस्टम को लागू करे या ना करे, क्योंकि ये डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 40 में था। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान में कुछ बदलाव कर सकती है, है ना, या जो पहले से कोई व्यवस्था है उसको हटा भी सकती है। इस तरीके से 368 के तहत भारतीय संसद ने 73rd, इससे पहले 72 अमेंडमेंट हो चुके थे इसलिए इसको 73rd कहा गया है, तो 73rd अमेंडमेंट लेकर आई जिसमें ये कहा गया कि जो स्थानीय शासन है, जो कि बेसिकली जो 73rd ये गांव के लिए है, जो गांव इलाका जिसमें सरपंच पंचायत वगैरह होते हैं, अभी डीपली समझेंगे हम इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो 73rd जो अमेंडमेंट है इसको 24 अप्रैल 1993 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया, इसको संविधान के भाग 9 में डाला गया और शेड्यूल्स यानी कि जो अनुसूची है इसको 11 में रखा गया, और इसके अंदर टोटल जो सब्जेक्ट है वो 29 सब्जेक्ट है, यानी कि ये जो पंचायत व्यवस्था है यानी कि 73rd के अंदर जो पंचायती व्यवस्था है उसको 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। 73rd संविधान संशोधन क्या है इस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि 73rd जो संविधान संशोधन है ये पंचायत की एक ऐसी व्यवस्था की बात करता है जो गांव के अंदर हो, कहाँ पे, गांव के, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, गांवों के, उन छोटे छोटे गांव के, ताकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है ना, क्योंकि जब तक एक गाँव का कोने वाला इंसान अपने ही लोगों के द्वारा, मतलब उस गाँव के लोग अपने ही लोगों में से एक ऐसे नागरिक को चुने जो उस गांव की पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, इसी को डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, यानी कि पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी, गांव का हर कोने वाला बंदा भी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर पाए, इसलिए इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस कहा जाता है स्थानीय शासन का, लोकल गवर्नमेंट का। गांधी जी का सपना हुआ करता था, विनोबा भावे का सपना हुआ करता था भारत में ये होना चाहिए, उन्हीं सपनों को साकार किया गया इन संविधानिक संशोधनों के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो इन संविधान संशोधन में सबसे पहला जो व्यवस्था किया गया वो किया गया 3-tier सिस्टम का। क्या कहा गया, 3-tier सिस्टम होगी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सबसे पहले बात की गई। 3-tier मतलब सबसे ऊपर जो होगी जिला परिषद होगी, क्योंकि गांव की बात कर रहा हूं मैं, 74th जो है वो शहरों के लिए है तो उसको हम बाद में बात करेंगे, पहले 73rd समझते हैं। तो 73rd में ये कहा गया कि सबसे जो ऊपर होगी वो होगी क्या, जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे गांव मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट पूरा बनता है, पता होगा आपको, है ना। एंड जो पंचायत समिति है ये एक ब्लॉक लेवल पे होगी। देखो, हमारी गली होती है, गली तो एक ब्लॉक होती है, ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऐसे गलियां होती है, तो उनके लेवल पे होगी क्या ये। एंड जो ग्राम पंचायत है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक विलेज की प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाने का काम यही करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डायरेक्ट इलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किसका, ग्राम पंचायत का होता है, इसका डायरेक्ट नहीं होता, इसका डायरेक्ट नहीं होता, ओनली इसका जो चुनाव होता है वो उस गांव के जो भी 18 साल के एज के व्यक्ति है, लोग हैं, वो वोटिंग करते हैं और ग्राम पंचायत के सरपंच को चुनते हैं गांव के अंदर। देखा होगा आपने पेड़ों के नीचे बैठ कर किस तरीके से पंचायती व्यवस्था भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। ये तो समझ में आ गया 3-tier सिस्टम। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे जनसंख्या पॉपुलेशन कम होगी, जैसे मान लो कि 20 लाख से कम आबादी है, 20 लाख से कम आबादी है उस गांव की, तो वहां पे सिर्फ जिला परिषद और सिर्फ ग्राम पंचायत होगी, वहां पे जो है पंचायत समिति इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ये नहीं होगी। जैसे गोवा और मणिपुर को देख लो, वहां पे गांवों की संख्या में 20-20 लाख से भी कम पॉपुलेशन है, इसलिए यहां पे सिर्फ 2-tier सिस्टम है, कौन सा, जिला परिषद है और ग्राम पंचायत है यहां पे, गोवा और मणिपुर में। क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है,
तो आपको इनको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं पंचायतों का निर्वाचन कैसा होता है, आखिरकार वोटिंग कौन करता है इनके चुनाव में। जैसे कि हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के इलेक्शन के अंदर सभी एमपीज की वोटिंग होती है तो जनता वोटिंग करती है, एमएलए के चुनाव होती है चीफ मिनिस्टर्स के लिए राज्यों के अंदर तो सभी लोग वोटिंग करते हैं मिलके, फिर वोटिंग होती है। लेकिन पंचायतों के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं भारत के अंदर, यानी कि लोगों को पंचायतों के बारे में अवेयर करने की जरूरत है, ठीक है, ताकि लोग इन पंचायतों के बारे में भी समझ पाए। चलिए, क्योंकि पंचायतों को चुनाव लड़ना भी तो आपको कभी हो सकता है, तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना, कभी आप पंचायत को चुनाव लड़ना चाहते हो तो आप सबको जानकारी भी होनी चाहिए। चलिए, तो चुनाव कौन करता है बेसिकली, सिंपल जो वोटिंग मशीन होती है ईवीएम उसी के द्वारा इनकी भी वोटिंग करवाई जाती है। एंड इसका जो चुनाव होता है वो राज्य के चुनाव आयोग, यानी कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संवैधानिक संशोधन जो 73वां है, वो एक राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था करता है। उसने एक राज्य चुनाव आयोग बनाया है। राज्य चुनाव आयोग इसलिए बनाया गया ताकि जो पंचायतों का चुनाव है वो चुनाव करवाया जा सके। जैसे आप देख सकते देखे होंगे दोस्तों टीवी वगैरह में, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग है ना, उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, तो ऐसे ऐसे निर्वाचन आयोग बनते हैं सभी स्टेट्स के अंदर जो उस स्टेट के पंचायतों का चुनाव करवाते हैं ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि और क्या कार्य होते हैं इनके। इनके कार्य होते हैं नामावली का निर्माण करना, यानी कि जो इलेक्शन में खड़ा होने वाला है उसके फॉर्म फिलअप करवाना, नॉमिनेशन करवाना। नामावली का मतलब क्या होता है, नॉमिनेशन करवाना जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है। नेक्स्ट, चुनाव पर नियंत्रण और निगरानी रखना। अब भाई राज्य चुनाव आयोग है ना यार, है स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये, तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, इलेक्शन को पूरा मॉनिटर करना, रेगुलेट करना, इलेक्शन करवाना, पूरा प्रोसेस इनके हाथ में होता है, जांच करना, इंस्पेक्शन करना, सब इनके काम में है, ठीक है, सब इनके हाथ में। एंड जो एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मान लो कि एक गाँव है, एक गाँव का जो सीमा है ना, मान लो एक गाँव यहाँ से यहाँ तक आता है, तो एक जो गांव की जो बॉर्डर है वो यहाँ तक जो फिक्स कर दी गई है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन ही फिक्स करता है। और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने फिक्स कर दी है इसको हाईकोर्ट के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती, जिसको कहते हैं हम न्यायिक पुनरावलोकन। दो जुडिशियल रिव्यू के अंदर ये जो है कंसेप्ट, ये जुडिशियल रिव्यू में नहीं आता। जो परिसीमन कर दिया गया, जो बॉर्डर इसका बना दिया गया, वो एक बार फिक्स हो गया, ठीक है, इसको हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू वाले प्रोसेस में नहीं लाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, उच्च न्यायालय, सिंपल है ना कि जो हाई कोर्ट है उसके अंडर में फिर ये नहीं आएगा। ये जो कंसेप्ट जो एक बार बन गया काम खत्म, यहाँ तक निर्धारित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो भी अध्यक्ष होगा किसका, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन होगा, जो सिंपल अध्यक्ष होगा, उसकी जो नॉमिनेटिंग है, जो उसकी नियुक्ति है, वो उस स्टेट का राज्यपाल करता है, ठीक है, उस स्टेट का राज्यपाल करता है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन करता है, गवर्नर करता है। और इस तरीके से गांव के लोग जाते हैं और वोटिंग करते हैं, वोट मत पत्र में पहले बम डाल के करते थे, अब तो ईवीएम पे करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, इन तीनों में से जो वोटिंग होता है वो सिर्फ इसका होता है, ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पर है सिर्फ इसी का इलेक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बारी आती है किसकी, पंचायतों में आरक्षण की। क्यों, क्योंकि देखो पंचायतों का मतलब है कि उस गांव के उन लोगों को भी इसके अंदर मतलब पार्टिसिपेट करने का मतलब है कि अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, जो अब तक काफ़ी बैकवर्ड रहे हैं, उनका इतिहास में काफ़ी एक्सप्लोटेशन हुआ है। जैसे कि ST SC कैटेगरीज को देख के चलते हैं हम, हैं पिछड़े लोग जिनको कहते हैं हम, और स्पेशली बात करते हैं महिलाओं की। महिलाएँ दोस्तों भारतीय राजनीति के अंदर काफ़ी सक्रियता नहीं दिखाती, इसलिए सीटें आरक्षित कर दी गई है महिलाओं के लिए भी, ताकि कम से कम पंचायतों के अंदर महिला तो आ सके, हैं, और इसलिए महिलाओं के लिए भी सीटें रिजर्व कर दी गई है, ठीक है। चलिए अभी बात करेंगे, लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक लोकसभा में ऐसी सीटें, आज तक ये बिल पास नहीं हो पाया कि महिलाओं को क्या लोकसभा राज्यसभा में सीटें रिजर्व कर दी जाए महिलाओं के लिए। लेकिन दुख की बात हमारे देश के लिए है, विडंबना है हमारे देश के लिए कि यार ये तो हम चाहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में भारत के अंदर महिलाओं के लिए सीट रिजर्व हो, ताकि पुरुष प्रधान समाज का ये जो है ना मुखौटा, ये टूट सके भारत का, और महिलाओं को भी आगे बढ़ने का, भारत में पॉलिटिक्स के अंदर स्पेशली बता रहा हूँ, महिलाओं का जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, महिला जो एक वर्ग है ना, पूरी महिलाओं का जो क्लास है वो अपने क्लास का रिप्रेजेंट कर पाएंगे, फिर इससे एक अच्छा सोशल मैसेज अच्छा जाएगा, है ना। चलिए तो हम पहले बात करते हैं, ये तो पंचायत लेवल पे बात करते हैं जहाँ पे रिजर्व सीट कर दी गई है, जब हम आरक्षण की बात करते हैं, चलिए तो महिलाओं के लिए प्लस जो ST SC जो वर्ग है ना SC और जो ST क्लास है, उनके लिए एक तिहाई सीटें जो है वो आरक्षित है। ये संविधान का जो आर्टिकल है 243D उसके अंदर ये व्यवस्था की गई है, आर्टिकल किसके अंदर, 243D के अंदर, एक तिहाई 1/3 जो सीट होगी वो रिजर्व्ड होगी किसके लिए, महिलाओं के लिए और ST SC के लिए। ये डिपेंड करता है उस स्टेट के गवर्नमेंट पे,
चाहे वो एक तिहाई सीटें रखे या एक तिहाई से बढ़ा भी सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, एक तिहाई से वो सीटें बढ़ा भी सकती है, ये डिपेंड करता है उस राज्य की गवर्नमेंट, इट मीन्स विधानसभा के ऊपर। जैसे कि मान लो दिल्ली विधानसभा, राज्य गवर्नमेंट, कोई से भी, दिल्ली, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, कोई से भी, है ना, तो वो आरक्षण यही प्रदान करते हैं, यानी कि आरक्षण देना हटाना जो भी काम होता है सिर्फ उसी विधानसभा का ही होता है। पंचायतों के जो पावर्स है ना, सब कुछ विधानसभा के अंदर डाली गई है। थोड़ा इसका ये डिमेरिट्स भी है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो विधानसभा है वो सीटें घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है, जो रिजर्वेशन है उसको भी घटा बढ़ा सकती है। इसीलिए जैसे कि हिमाचल प्रदेश और बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, यानी कि 50% जो सीटें हैं वो रिजर्व कर दी गई है। इस तरीके से उस स्टेट की विधानसभा पर डिपेंड करता है ये कि वो कितना करना चाहें, और ये बेहतर है ताकि महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन इसका साफ मतलब ये है कि जो अधिकार महिलाओं को मिल रहे हैं उसका सारा फायदा तो इनके हस्बैंड यानी कि पुरुष उठा लेते हैं, और पर्दे के पीछे सारा वो काम वो कर रहे होते हैं, ये हो जाता है। फिर भी दोस्तों हिमाचल प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट के अंदर 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है, है ना। लेकिन ये जो रिजर्वेशन मिलता है एसटी और एससी को, ये उनके पॉपुलेशन के हिसाब से मिलता है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा सीटें रिजर्व होगी एसटी एससी के लिए, और जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतनी सीटें भी कम रिजर्व की जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों तीनों लेवल पे, यानी कि जिला परिषद हो गया या पंचायत समिति होगी या ग्राम पंचायत होगी, तीनों लेवल पे सीट रिजर्व है, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एसटी एससी महिलाओं के लिए, ठीक है, 1/3 मेंबर्स जो होंगे वो सीटें उनकी रिजर्व कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पंचायतों के सदस्यों की योग्यता क्या होगी, है विधानमंडल का, है विधानमंडल का मेंबर बनने के लायक हो भाई वो, है चुनाव लड़ने के लायक हो वो, 21 साल कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए, और जो ग्राम सभा के मेंबर हो, जो वोट डालने वाले बंदे हों, वो 18 साल के हों, जिसको सिंपल हम बेसक मताधिकार के नाम से जानते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं पंचायतों का कार्यकाल, टोटल कार्यकाल 5 साल होता है, 5 साल के पहले, यानी कि मान लो कि 5 साल बिना पूरा करे 2 से 3 साल में पंचायत भंग हो जाती है, टूट जाती है, गिर जाती है सरकार पूरी पंचायतों की भी, तो 5 साल पूरे नहीं हो पाई है, तो विद इन 6 मंथ में फिर से रिलेक्शन करवाना पड़ेगा। लेकिन मान लो कि 5 साल पूरा होने ही वाला है, ठीक 6 महीने पहले ही पंचायत भंग हो गई है, पंचायत खत्म हो गई है, तो उस समय जो इलेक्शन होगा वो इलेक्शन टोटल 500 साल के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि 6 महीने बची रहे हैं, है ना, तो 6 महीने के लिए ही पंचायत बनेगी, नहीं, पूरे 5 साल के लिए बनेगी अगर 6 महीने पहले ही पंचायत खत्म होती है। हाँ, अगर 2 से 3 साल पहले खत्म होती है तो जो टाइम पीरियड बचा हुआ है 2-3 साल का वो ये पूरा करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य वित्त आयोग का काम क्या है, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाई गई है, जो है पंचायतों को पैसा देगी ताकि यहाँ पे पैसा लगाओ, इतना पैसा यहाँ लगाओ, सड़क, पानी, बिजली है, कूड़ा करकट, इन सब चीज़ों के लिए। सबसे पहले बात कर रहे हैं इनका काम क्या है, देखो ये है स्टेट डिपार्टमेंट है, ये है फाइनेंस डिपार्टमेंट जो काम करती है। इनके जो चेयरमैन होते हैं उनका गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, उनको जो नॉमिनेट करता है कौन, उस स्टेट का गवर्नर करता है। बात करते हैं इनका काम क्या है, कोई भी नया शुल्क, कोई भी नया प्राइस है डिटरमाइन, निर्धारित करना हो, फिक्स करना हो, इसका प्राइस इतना होगा, इसका प्राइस इतना होगा, ये सभी काम फाइनेंस जो कमीशन होती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसके द्वारा किया जाता है। कोई भी नया टैक्स लगाना हो, कोई नया प्राइस लगाना हो, कोई पत्थर, कोई नया टैक्स लगाना हो सिंपल है, या कोई नई फीस लगाना हो, है ना, ये सब चीज़ जो होती है, जुर्माना, फाइन वगैरह, ये सब इसी के अंदर आ जाता है, ये सब स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही फिक्स की जाती है। नेक्स्ट पंचायतों को, जितने भी पंचायत वगैरह होते हैं उन सभी को पैसा जो फंड होता है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन ही तो देता है, ताकि वो अपना विकास काम कर सके, उस गांव के डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। नेक्स्ट वित्तीय सुधार में, यानी कि जो वित्तीय, जो उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उनमें मतलब कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आए, इसके लिए वो फाइनेंस एड यानी कि फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। और इस प्रकार से स्टेट फाइनेंस कमीशन वो भी काम करती है जो उनको राज्यपाल दे, ठीक है, राज्यपाल समय समय पर स्टेट फाइनेंस कमीशन को काम दे सकता है, ये इसके पास राइट है। नेक्स्ट पंचायतों का अधिकार क्या है, टैक्स लागू करना या टैक्स वसूलना, ये सब काम पंचायतों का काम होता है। सामाजिक और आर्थिक विकास, कोई सोशल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करना पंचायतों के हाथ में, क्यों, क्योंकि ये सभी काम जो है ये पंचायत है ग्राम सभा के द्वारा करती है। ग्राम सभा एक ऐसी डिपार्टमेंट होती है जो पूरी एक ऐसी बॉडी है जो सभी कामों को इंप्लीमेंट करने का काम करती है, जो ग्राम पंचायत काम करती है। अभी समझते हैं इसको, पहले जानते हैं हम ये कि पंचायत कौन से काम नहीं कर सकती। सबसे पहली बात ये कि पंचायत कोई नया कानून नहीं बना सकती, कानून बनाने का जो अधिकार है वो उस स्टेट के विधानसभा के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, राज्य सरकार के पास है। और आर्टिकल 243 जी ये कहता है, ये आर्टिकल क्या कहता है कि ऐसे सब्जेक्ट
पे ही पंचायत कानून बना सकती है जो उस स्टेट की सरकार यानी कि उस स्टेट की या उस राज्य की सरकार के द्वारा पंचायतों को दी गई हो एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके के दो ये पॉइंट्स जो पंचायतों की राइट्स को लिमिट कर देती है। नेक्स्ट है ग्राम सभा के कार्य। अब हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं ग्राम सभा, है ना, हम पंचायतों वाले पॉइंट्स पे आ चुके हैं। अब जो हमारा मेन कवर करेगा पॉइंट, सबसे पहले ग्राम सभा, ये एक ऐसी डिपार्टमेंट होती है जो नज़र बनाने का काम करती है। जो ग्राम सभा यानी जो ग्राम पंचायत काम करेगी उस पर नज़र बनाने का काम जो करती है वो करती है ग्राम सभा के द्वारा, है ना। ग्राम डिपार्टमेंट भी कहा जाता है इसको, विलेज डिपार्टमेंट भी इसको कहा जाता है। चलिए, वार्षिक लेखा विवरण यानी कि एक साल के अंदर क्या बजट जो होता है पंचायतों का वो तैयार करना, वो बनाना और उसका इंस्पेक्शन करना और रिपोर्टों की जांच करना सबसे पहला काम होता है इनका। ठीक है, नए कर लगाने, कोई भी नया टैक्स लगाना हो, वर्तमान जो प्रेजेंट में जो टैक्स चल रहा है उसके अंदर इंक्रीज करना उसको या बढ़ाना उसको, है ना, इस पर अगर कोई प्रस्ताव लाया गया है तो उस पर सबसे पहले इनके द्वारा विचार किया जाता है कि हाँ अगर ये मना कर दे तो वो पास नहीं हो पाएगा यानी कि वो टैक्स नहीं लग पाएगा। नेक्स्ट है सामुदायिक कल्याण के कार्यक्रमों के लिए है विचार विमर्श करना, डिबेट करना कि इस गांव के अंदर कौन कौन से इंप्लीमेंट ऐसे करें हम, कौन सी पॉलिसी लाएं जिससे उस गांव का विकास हो सके, एंड विकास योजनाओं के लिए क्या काम करना प्लस उनको इंप्लीमेंट करवाना, एंड ग्राम पंचायतों के क्रियाकलापों एवं जो खर्चा हो रहा है जो इनकम आ रही है उन सभी पे कंट्रोल ये ग्राम क्या ग्राम सभा ही रखते हैं। ठीक है, ग्राम डिपार्टमेंट के द्वारा रखा जाता है। एक ग्राम पंचायत है उसका हेड तो भाई यही है जो सारा कंट्रोल कर रहे हैं। तो ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत जिसके मुख्य सरपंच कहलाते हैं, तो इनका काम क्या है, इनका काम है सभी चीज़ों पे चर्चा, विचार से चर्चा करना, हर एक बंदे की प्रॉब्लम को सुनना और वो मुद्दा जाएगा फिर ग्राम सभा के अंदर जहाँ पे सब लोग ऐसे बैठ कर हैं फाइनली उसको क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से जो ग्राम पंचायत के कार्य है, जो काम है, उसको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है ना, उसको दो भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला जो है वो अनिवार्य कार्य, जो काम करना ही पड़ेगा पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को। एक ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब क्या होता है, है इलेक्टिव, इलेक्टिव मतलब जो उस पंचायतों पे डिपेंड करता है, या तो वो करे या ना भी करे उनकी मर्जी है, ऐच्छिक मतलब मर्जी। ठीक है, चलिए एक एक करके समझे हम। हाँ, तो अनिवार्य में कौन कौन से हैं, सार्वजनिक कुओं, गांव में कोई कुआं हो, रिवर तालाब हो, कोई है ना कोई पाउंड वगैरह हो, इन सब की देखरेख करना पंचायतों को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी से मतलब कि ये साफ सुथरा रहेगी तो गंदगी नहीं होगी, है ना, सेहत के लिए। जितने भी पब्लिक प्लेस हो गांव में ये सभी देखरेख करने का काम, कूड़ा करकटें, साफ सफाई का काम, ये सब पंचायतों के अंडर में ही आता है, तो ये सब इनके कंपलसरी काम होंगे। नेक्स्ट है सार्वजनिक मार्गों यानी कि जो पब्लिक रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह हैं, इन सभी को देखना पंचायतों का काम आ जाता है। सार्वजनिक स्थानों, मैंने बताया ना कि पब्लिक जो इसलिए प्लेस हो गया, धर्मशालाएं है ना, ये सब जो हो जाता है इनको देखरेख करने का काम भी पंचायतों का, ये सब कंपलसरी काम है इनका। एंड कृषि का विकास, एग्रीकल्चर के ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स है ना, और उस पर सिंचाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, नहर वगैरह, कुएं, घाड़ी, ये सब जो बनाने का काम है ये सब इनका जो है पंचायतों का। ठीक है, तो ये सब इनके कंपलसरी काम है। नेक्स्ट है जन्मदर यानी कि जन्म, मृत्यु और विवाहों का पंजीकरण करना, यानी कि एक गांव के अंदर कितने लोगों का जन्म हुआ है। देखो टीकाकरण लगता है जब सुई लगाने जाते हैं, यहाँ पे मेरा टू सुई लगाया है बचपन में, है ना, शहरों के अंदर है, नगर निगम में जाते हैं, गांव के अंदर पंचायत के पास जाते हैं, तो कितने लोगों का जन्म हुआ है उस गाँव में, पर्टिकुलर उस एक साल के अंदर कितने लोगों की मौत हुई है, डेथ रेट, बर्थ रेट, एंड कितने लोगों ने मैरिज किया है, इन सभी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पंचायतों में होता है, रजिस्ट्री करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब काम पंचायतों का है। लघु सिंचाई साधनों का निर्माण करना ताकि सिंचाई के द्वारा खेती की जा सके। ठीक है, पानी की व्यवस्था करना से भी इनके अंदर में आता है। टीकाकरण और सुई लगाना है, मैंने कहा था ना अभी, आपको याद करो आपके मम्मी पापा ने भी आपको टीका लगवाया होगा। अब टीका कहाँ लगवाया होगा आपके पापा बताएंगे और आपको पता होगा। चलिए, पशुओं और उनकी नस्ल का सुधार करना, ये जैसे कि एक गाँव के अंदर जो कोई भैंस चराता है, कोई बकरी चराता है, तो उनके लिए चारे का व्यवस्था करना, है ना, उनके लिए पानी का व्यवस्था करना, तो ये सब जो है ना पशु वगैरह ये सब काम इनके अंडर में आ जाता है। बहुत इजी लैंग्वेज में है, आई होप आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं हम ऐच्छिक कार्य, जो इनकी मर्जी पे डिपेंड करता है। सबसे पहले जो जितने भी रोड्स वगैरह हैं, सड़क है ना, ये स्थल में या मार्ग हैं जो हैं, रोड वगैरह जो हैं, उनके किनारों पे ट्रीज, पेड़ लगाना है, प्लांट लगाना। अब ये देखो इनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। देखो यार, ये काम तो है सबसे इम्पोर्टेंट, तो इसको इसमें डालना चाहिए था अनिवार्य काम में, लेकिन ये मर्जी पर छोड़ दिया गया है, तो पेड़ या लगाए या ना भी लगाए मर्जी है इनकी, है ना। चलिए, धर्मशालाओं
विश्राम घरों और सार्वजनिक घाटों की व्यवस्था करना, धर्मशाला और विश्राम घर और सार्वजनिक घाट, घाट नहीं छठ घाट वगैरह होता है ऐसे ऐसा, तो इनकी मर्जी है ये करे या ना करे। और शहर में दोस्तों स्पेशली इनका हाथ में किया भी जाता है, ठीक है, जैसे निगम पार्षद वगैरह जो शहरों में होते हैं। हाँ, सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था करना, सामुदायिक केंद्र जो पूरी कम्युनिटी के लिए एक ऐसे सेंटर बनाया जाए, जैसे कोई आँख की जाँच करे, कोई दांत की जाँच करे, या फ्री इलाज वगैरह के लिए भी इनके अंडर में आ जाता है। खेल स्थलों, पुस्तकालयों, यानी कि खेल स्थल मतलब कोई पार्क वगैरह बनाना, पुस्तकालय, कोई लाइब्रेरी बनाना अपने गांव के अंदर, एंड कोई अच्छा सा पार्क वगैरह बनाना, ये इनके अंडर में आ जाता है, ठीक है। तो ये करे या ना करे इनकी मर्जी, और स्पेशली कुछ गांव के अंदर होता भी है, कुछ ईमानदार भी पंच सरपंच जो ये अच्छा अच्छा काम भी करते हैं, है ना। एंड छुआछूत का उन्मूलन, अनटचेबिलिटी उस गाँव के अंदर ना हो, ऐसे देखा जाता है कि अक्सर के दलित वगैरह के अंदर है ना ऐसा कोई मामला आ जाता है, पिछड़े जाति को लेकर छुआछूत जैसे कुछ ना हो, ये इनका काम है सबसे पहले इनको रोक लगाना। एंड भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है, भ्रष्टाचार को एवोल्यूशन यानी कि खत्म करना जड़ से, तो ये सब काम है, ये देखो इनकी मर्जी पे है, अच्छे कार्य है भ्रष्टाचार को खत्म करना। तो भारत के अंदर ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो रहा है, और ये तो भरपूर हो रहा है भ्रष्टाचार, तो ये मर्जी पे है भाई, मर्जी पे है करे या ना करे, तो ये भ्रष्टाचार कौन ना करना चाहेगा भाई, सब करना चाहेगा, जेब तो सब भरना चाहते हैं अपना, तो यही तो है भाई भारत के अंदर सबसे बड़ी बात है। ऊपर से 1 रुपया आता है और नीचे तक 15 पैसा पहुंचता है, ये 85 पैसा है किसके पेट में चला जाता है, भगवान जाने क्या होता है ये। एंड पंचायत की राज की कमियां क्या है, इसे जिन कमियों खत्म कर लिया जाए तो कह सकते हैं कि अब पंचायतों में सुधार हो जाएगा, और सुधार चल ही रहा है, लेकिन तो सभी तक हम इतने ज़्यादा सुधार पे नहीं आ पाए अभी भी, ठीक है। देखिए बात करते हैं सभी प्रॉब्लम्स की, जो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ मनी, सबसे बड़ी बात यही तो होती है यार, पैसे के दिक्कत के कारण गाँव का विकास नहीं हो पाएगा, और जितना पैसा उतना जेब में डल जाता है, तो गाँव के विकास के लिए पैसा कहाँ से लेकर आए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो इनकी पैसे की समस्याओं को पूरा नहीं कर पाती, विधानसभा यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फंड नहीं भेजते, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी जिम्मेदार है इसमें, है ना, फंड वगैरह ना, जैसे दिल्ली में देख लो भाई, है यहाँ पे क्या होता है, नगर पालिका जो है मयूर वगैरह सब रोते रहते हैं यार, दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही, दिल्ली सरकार फंड नहीं दे रही, दिल्ली सरकार कहती है हमने दे दिया, सेंटर से मांगो, ये करो वो करो, तो तमाम चलता रहता है यहाँ पे, समझ में नहीं आता क्या चक्कर चल रहा है यार। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मचारियों की कमी, पंचायतों के पास अपनी कोई भी कर्मचारी नहीं है, इनके पास अपने कोई कर्मचारी नहीं होते, इनके पास दोस्तों जो कर्मचारी हैं वो सबके साथ ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी के सब पार्ट्स होते हैं, जैसे अब जो स्टेट सर्विस कमीशन के द्वारा जो चुने जाते हैं उनको इन पंचायतों में भेजा जाता है, तो उन्हीं के मेंबर के द्वारा तो मिलकर पंचायतों का काम किया जाता है, तो इनके पास अपने कोई कर्मचारी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात यही है। एंड अधिकांश राज्य द्वारा 29 विषय तो दिए ही नहीं गए हैं, सबसे बड़ी बात देख लो भाई, अभी अब 29 सब्जेक्ट दिए गए संविधान के 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, बट ये बात गलत कह दिया गया कि स्टेट पे डिपेंड करता है, अब स्टेट क्यों देगी 29 पूरी की पूरी, वो सब्जेक्ट अपने पास ही रख लेगी, है ना, इससे बहुत दिक्कत आ गई भाई। अरे भाई जो इनको दिया गया वो पूरी इनको दे दो यार, देखो एक बात साफ कहूँ यार, एक विधानसभा में चाहे कितने भी अमीर MLA बैठे हों, एक गाँव की जो प्रॉब्लम है वो उसी गाँव के लोग बेहतर समझ सकते हैं, तो सभी सब्जेक्ट उनको दे दो यार, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि नहीं दी गई है। जिला नियोजन समिति का गठन ना करना सबसे बड़ी बात है, देखो जिला परिषद तो है लेकिन जिला नियोजन, एक डिस्ट्रिक्ट को किस तरीके से बनाया जाए, उसका परिसीमन कैसे किया जाए, किस लेवल तक एक डिस्ट्रिक्ट होगी, कहां से कहां तक होना है, किस डिस्ट्रिक्ट में सही विकास है, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी प्लानिंग करनी है ताकि एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसका प्रोग्रेस हो सके, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी जिला नियोजन समिति नहीं बनी है, जिला प्लानिंग कमेटी नहीं बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड राज्य और संघ सरकारों का दबदबा बहुत ज़्यादा हुआ है, अब देख लो ना यार कि जब भी बात आती है कोई भी पॉलिसी बनानी है, कोई भी नए नए प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने हैं, तो पंचायतों को बोला ही नहीं जाता, भाई आप कोई एक गांव के लेवल पे करना है तो पंचायतों को राइट दे दो, लेकिन सभी जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स चाहे छोटे प्रोग्राम्स हो सभी स्टेट गवर्नमेंट अपने हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेती है। अब देख लो ना ऐसे जल संवरण कार्यक्रम, वाटर का जो प्रॉब्लम होता है वो समझ सकते हैं, लेकिन ये सारी जो स्कीम है ये स्टेट गवर्नमेंट चला रही है ना। एंड दूसरी संयुक्त वन समिति, अब वन समिति स्टेट क्या करेगी भाई, गांव को तो जंगल झाड़ी अच्छे समझ सकती है वो, लेकिन नहीं ये सब वगैरह स्टेट गवर्नमेंट चला रही है। अब स्टेट गवर्नमेंट चला रही है तो AC में बैठा वाला बंदा है ना और एक झोपड़ी वाले रहने वाले बंदे की समस्या को कैसे समझ सकता है, लेकिन नहीं भाई प्रॉब्लम तो होने वाली है। सांसद स्थानीय विकास कोष, ये बड़ा कंट्रीब्यूशन वाला मुद्दा है भाई, बड़ा तगड़ा वाला। सांसद स्थानीय विकास कोष जिसको MPLAD के नाम से जाना जाता है, 1995 के अंदर एक व्यवस्था की गई थी, इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग ये हुआ था कि हर साल यानी कि हर साल जो
एमपी होगा, कौन एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपने एरिया के विकास कार्य को कर सके। और ये जो 5 करोड़ रुपए होंगे, ये उस डिस्ट्रिक्ट का जो जिला अधिकारी होगा, जो कलेक्टर होगा, वो इस 5 करोड़ रुपए यूज करेगा, यानी कि विकास काम के लिए अलग अलग तरीके से पैसों को लगाएगा। ये तो आपको समझ में आ गया, हाँ ये तो ठीक है। लेकिन दोस्तों पंचायतों को तो अधिकार दो इस 5 करोड़ रुपए में, है? अरे भाई गांव की प्रॉब्लम की समस्या को तो पंचायत ही ना सॉल्व करेंगे, लेकिन इनको कोई अधिकार ही नहीं है। अब कलेक्टर और एमपी को है, कलेक्टर के हाथ लगती नहीं, एमपी बीच में मार ले जाते हैं, समझे? तो इस तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम देश के अंदर ही अभी है। इसीलिए क्या हुआ, आगे चल के बैंकेट चलाया आयोग बनी, जिसको बैंकेट चलाया कमीशन नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा कि ये जो 5 करोड़ की सिस्टम है ना, इसको ही खत्म कर दो, खत्म कर दो, और डायरेक्टली जितना भी पैसा देना है वो पंचायतों को दो, डायरेक्ट दो, है ना, ताकि ये आगे विकास कर सके। क्योंकि भाई राजीव गांधी की बातों को मत भूलना, ऊपर से 1 रुपये भेजते हैं, है नीचे तक 15 पैसा ही पहुंचता है, 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसा जेब में चला जाता है, है? तो ये बड़ी प्रॉब्लम आई। और एक प्रॉब्लम जो मुझे पर्सनली बताऊं तो बहुत ज़्यादा दुख देती है यार, वो है पितृसत्तात्मक प्रॉब्लम। ये क्या है, पेट्रियार्की के सिस्टम भारत में आज भी है, पुरुष प्रधान समाज है हमारा, क्यों? जहाँ पे भी सीटें रिजर्व है महिलाओं के लिए, वहाँ पे महिलाओं को खड़ा करते दिया जाता है ताकि महिला जीत भी जाए आराम से, और एक सीट तो आ भी जाएगी। लेकिन जो पूरा फायदा होता है वो उनके हस्बैंड संभालते हैं सारा काम, वो बस महिलाओं को शक्ल दिखाया जाता है कि हाँ मेरी महिला है यहाँ पे, भाई खड़ी हुई है यहाँ पे, जीत गई, उसके बाद सारा काम उनके हस्बैंड करते हैं। इस तरह के दोस्त, ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो कि सुधार करनी है। और ये तो एक सोच पे डिपेंड है यार, ये तो कितना भी कानून बना लो, लेकिन एक सोच, एक नीयत जब ठीक ना हो ना, भारत में पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है, भारत में नीयत की कमी है। नीयत ठीक हो गई तो पैसा का भंडार अपने आप निकल आएगा। तो नेक्स्ट जो समस्या है वो गांव के अंदर गरीबी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अभाव, रिसोर्सेस नहीं है, एंड है लिटरेसी रेट इतना है ही नहीं भाई, लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, बहकावे में आ जाते हैं, कंबल दारू बोतल ये सब बांट डालो, तो जो वुमेंस के जो भी हस्बैंड होते हैं वो सारे ये काम करवा के अपना है सब निकल लगाते हैं भाई। और आजकल तो बहुत देखा जाता है यार कि पर्दे के पीछे भाई सब काम हो जाता है पंचायतों के अंदर भी। तो यार यहाँ पे हम बात करें कि पंचायतों की प्रॉब्लम को या जो जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, उनको समाधान करने के सुझाव मांगा जाए आपसे, तो सिंपल आप यही सारे पॉइंट्स बताना, अगर ये सारे पॉइंट ठीक कर लिए जाए तो अपने आप ही सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पंचायती राज का महत्व क्या है। इन सभी कमियों के बाद ऐसा नहीं है कि पंचायती राज हमारे लिए बिल्कुल ही खराब है, नहीं दोस्त, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी चीज़ है ये, क्योंकि गांधी जी का सपना ये था कि हर गांव के कोने का है कोने कोने का बंदा भी डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि नहीं मेरे गांव का ही इंसान मेरे गांव के ही अंदर रहकर मेरी गांव की समस्याओं को सॉल्व कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात है ये, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। हर एक बंदा है, हर वो इंसान जो भारत का नागरिक है, किसी भी गाँव में रहता हो, किसी भी कोने में रहता हो, वोट डाल के अपने गाँव की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ठीक है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को दोस्तों कहीं ना कहीं इस तरीके से देख सकते हैं हम कैसे होता है, है ना? अब देखो ना यार कि जो आपके एरिया में जो जीत कर जाता है कब शक्ल दिखाने आता है, जब वोटिंग होती है तो हाथ पैर उठा के आ जाते हैं, मुंह उठा के चले आते हैं वो, लेकिन जब जीत जाते हैं तो देखो जा रहा है यार। लेकिन पंचायतों में क्या है कि आपके गांव का ही मेंबर है वो, सरपंच मुखिया हो गया जो गाँव का ही है, अब वो जीत के आपके गाँव में तो रह रहा है, कुछ भी हो कुंडी खटका दो उनका, भाई यहाँ पर दिक्कत होगी आइए साहब आइए, है गाँव में होते अजी मुखिया जी कहाँ हो जी ऐसे बोलो, बिहार में ऐसे बोल देते हैं पूरा यार, मुखिया जी का बहुत दबदबा होता है इस तरीके से। तो ये सारी बात होगी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उस गांव के अंदर, जैसे कि मान लो कोई महिलाओं के साथ कोई दिक्कत होगी या जाति वगैरह में कोई दिक्कत है, छुआछूत जैसे कोई दिक्कत होगी, तो फटाफट सभा बुलाई जाती है, जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सके, ठीक है? ये ध्यान रखना है। लैंगिक न्याय की व्यवस्था, महिलाओं के लिए सीट रिजर्व कर, ये तो जरूर है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है भारत के अंदर, इसका थोड़ा जो अटूट है ये टूटा है, ठीक है? ये ध्यान रखना है, क्योंकि महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है, वो पार्टिसिपेट करती है, वो जीतती भी है ना? एंड सामाजिक एवं आर्थिक विकास के, जो एक गांव के लिए जो पॉलिसी है इंप्लीमेंट करने का जो तरीका है वो गांव से बेहतर कोई नहीं जान सकता, तो एक गांव के नागरिक को ही ये राइट दे दिया गया ताकि पंचायत बनाए, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ये काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट से आप क्या समझते हैं, इसके अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव हैं आपको ये भी बताना है, यानी कि कॉमेंट ऑन द फीचर्स ऑफ द बजट एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस प्रिंसिपल्स, आपको बजट के बारे में बताना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव और फीचर्स दोनों सेम होता है बजट के बारे में, तो मैं आपको इसके आंसर में ऑब्जेक्टिव बताऊंगा,
जिसको आप फीचर्स में भी लिख सकते हो। तो पहला तो इस तरीके से पूछा जाता है बजट के ऊपर, जिसमें आपसे बजट क्या है और इसके मेन ऑब्जेक्टिव डेट मीन्स फीचर्स पूछा जाता है। बजट के ऊपर एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि बजट क्या है, भारत में बजट को तैयार करने और उसको लागू करने की प्रक्रिया और चक्र का वर्णन कीजिए। आपको ध्यान रखना है या प्रक्रिया कहा जाए या आपसे चक्र कहा जाए, बोथ आर सेम, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे चक्र कहा गया है तो आपको प्रक्रिया के बारे में ही लिखना है। चक्र मतलब यहाँ पे साइकिल से है, यानी कि बजट साइकिल, यानी कि बजट को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है आपको पूरा प्रोसेस बताना है इसके अंदर। तो इसको चक्र यानी कि साइकिल कहा जाता है या प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया कहा जाता है। यानी कि व्हाट इज बजट, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट इन इंडिया। तो आपको इसमें टोटली बजट के बारे में बताना है, उसका पूरा प्रोसेस और इम्प्लीमेंटेशन का क्या प्रोसेस है आपको पूरा ये समझाना है, और इसके इम्प्लीमेंटेशन का क्या प्रोसेस है आपको पूरा ये बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के तहत भारत के अंदर बजट पेश किया जाता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं हम अपने बजट का आंसर। तो अब जो मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ वो इन दोनों क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर होगा। अब दोनों में से जो भी क्वेश्चन आ जाए आपको आंसर यही लिखना होगा। चलिए आंसर समझते हैं। बजट भारत के अंदर अंग्रेजों के ही टाइम से साल में एक बार पेश किया जाता है, जो ये बताता है कि देश के अंदर कितना पैसा टैक्स के रूप में आया और सरकार कितना पैसा खर्च करने वाली है देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में। दोस्त भारत का संविधान का आर्टिकल 112 ये कहता है कि देश की सरकार एवरी ईयर, यानी कि जो केंद्रीय सरकार है वो हर साल देश की आय और व्यय का जो एक लेखा जोखा होता है, यानी कि कितना आय आया सरकार के पास और सरकार कितना व्यय यानी कितना खर्चा करेगी, तो आय और व्यय का लेखा जोखा क्या होता है, बजट कहलाता है। तो इस तरह के दोस्तों बजट भारत के अंदर एवरी ईयर पेश किया जाता है, या फरवरी के मंथ में पेश किया जाता है, 1 फरवरी को पेश कर दिया जाता है दोस्तों। तो बजट पर चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपको सिंपल मैं कोटेशन दे देता हूँ यहाँ पे, बिलोबी के अनुसार क्या है बजट, सरकार के आय यानी इनकम व्यय यानी खर्चा, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर, इसका एक अनुमान मात्र नहीं है बल्कि यह एक प्रतिवेदन, एक अनुमान तथा एक प्रस्ताव, तीनों हैं दोस्तों। यानी कहते हैं ये कि एक प्रतिवेदन यानी पूरा एक लेखा जोखा भी है, एक अनुमान भी है ना, एक अनुमान जो लगाया गया है और एक प्रस्ताव भी है, एक प्रपोजल भी है ये। तो ये इनके द्वारा बिलोब के द्वारा कहा गया है। रेमो स्ट्राम क्या कहते हैं यहाँ पे दोस्त, रेमो स्ट्राम, बजट एक ऐसा परिपत्र है जिसमें सार्वजनिक राजस्व यानी दोस्त जो पब्लिक के लिए जो टैक्स होता है दोस्त, ठीक है, जो टैक्स और एक्सपेंडिचर यानी जो व्यय की प्रारंभिक योजनाएं प्रस्तुत की जाती है, यानी कि दोस्त राजस्व कितना आएगा, कितना खर्च किया जाएगा, कितने है ना, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बताया जाता है, ये बताया जा रहा है रेमो स्ट्राम के बारे में द्वारा। क्लियर है, पहले से ही आपको लगता है कि मैंने टैक्स तो दिया ही नहीं है, उस पर इंडायरेक्ट, मान लो दोस्त आप सुई भी लेने गए हो, 1 रुपये का सुई है तो उससे 25 पैसे का टैक्स लगा हुआ है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, तो उस पर टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ आता है, उसको ही हम इंडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जो कि जिस पर टैक्स ऑलरेडी लगा हुआ है पहले से ही, और जो हम टैक्स पे करते हैं खुद जाकर उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। अब हम बात करते हैं दोस्त कि एक गवर्नमेंट का जो इनकम का सोर्स होता है वो होता है टैक्स। तो एक फिस्कल ईयर दोस्तों आपको पता होना चाहिए, फिस्कल ईयर का मतलब क्या होता है, फिस्कल ईयर, फिस्कल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष का मतलब क्या होता है, एक ऐसा साल जिसमें देखा जाता है कि एक उस साल के अंदर कितना पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास आया और सरकार ने कितना पैसा खर्च किया, इसको कहा जाता है दोस्त भारत के अंदर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये दोस्त हमारे पास फिस्कल ईयर होता है, या इसको फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, या दोस्त इसको वित्तीय वर्ष भी कहा जाता है, ठीक है। मेनली जो बजट प्रिपेयर किया जाता है इसीलिए किया जाता है कि देश के अंदर से पैसा कितना आया और एक अनुमान लगाया जाता है कि कितना पैसा सरकार खर्च करेगी इस हमारे यानी कि जो फिस्कल ईयर है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, जैसे कि दोस्त अभी अप्रैल का महीना चल रहा है जिस वीडियो को मैं अभी बना रहा हूँ, तो 1 अप्रैल से ही दोस्त ये न्यू यानी कि 2023 का ईयर स्टार्ट हो गया है, और 2023 के लिए दो सरकार ने बजट पेश किया, आपको पता होना चाहिए फरवरी के महीने में, और उसके अंदर ये मतलब कि एजुकेशन पे, डिफेंस पे, हेल्थ पे, है ना, देश के अलग अलग एग्रीकल्चर पे कितने पैसे सरकार खर्च करने वाली है, तो इसी को एक आप कह सकते हो लेखा जोखा होता है बजट, ठीक है, एक लेखा जोखा, उसको लिख लिया सरकार ने कि भाई 100 रुपये आया, अब सरकार 90 रुपये खर्च करेगी या 80 रुपये खर्च करेगी, ये सरकार देखेगी। अगर मान लो तो 100 रुपये आया और सरकार 110 रुपये खर्च कर रही है, समझ लो कि भाई देश घाटे में चल रहा है, ठीक है, ऐसा तो अक्सर ऐसा होता भी है। चलिए पहले आपको मैं प्रोसीजर समझा देता हूँ पूरा कि बजट कैसे प्रिपेयर होता है। सबसे पहले दोस्त इस चीज़ को देखने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं,
जो आप ध्यान रखना बजट को प्रिपरेशन करने के लिए, ये सारे पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इंश्योरेंस, यहाँ पे दोस्त क्या है, इंश्योरेंस ऑफ सर्कुलर्स टू ऑल मिनिस्टर्स। सबसे पहले क्या होता है दोस्त, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सभी मिनिस्टर्स से एक सर्कुलर मांगा जाता है कि भाई मान लो हेल्थ मिनिस्टर है, कितने पैसे आए, कितने पैसे मतलब खर्च होने वाले, एक्सपेंडिचर क्या होगा। डिफेंस मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर, इन्वायरमेंटल को लेकर अलग अलग मिनिस्टर्स, कोयला मंत्री, पेट्रोल मंत्री, सभी मंत्रियों से एक प्रपोजल मांगा जाता है कि अच्छा भाई तुम्हारे पास ये है, तुम्हारा ये लेखा जोखा होने वाला है इस वर्ष के लिए, ये पैसे तुम खर्च करने वाले हो। उसके बाद दोस्तों मेनली कंसल्ट किया जाता है प्रपोजल पे जो कि सभी मिनिस्टर्स ने दिया है। थर्ड पॉइंट में फिर उसके बाद एलोकेट किया जाता है रिवेन्यू कि अच्छा हेल्थ के, हेल्थ मिनिस्टर को हम इतना पैसा देंगे क्योंकि भाई इतना पैसा खर्च करने वाले हैं, डिफेंस को इतना पैसा देंगे, रक्षा मंत्री को इतना देंगे हम, ना कि एजुकेशन को इतना देंगे, हेल्थ को इतना देंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर को हम इतना पैसा देंगे। तो उसके बाद एलोकेशन का काम किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में प्री बजट मीटिंग की जाती है, यानी कि बजट फाइनल करने से पहले एक मीटिंग की जाती है कि भाई अच्छा फाइनल कोई कमियां वगैरह तो नहीं रहा, भाई सब सही कुछ एलोकेट सही से हो गया है। और फाइनल दोस्त बजट को प्रिंट किया जाता है कि अच्छा भाई हमने पूरा बजट का पूरा एक प्रपोजल रेडी कर लिया है, फिर उसको प्रिंट किया जाता है और उसके बाद बजट के ऊपर एक प्रेजेंटेशन रेडी की जाती है। यह दोस्तों होता है सिंपल एक पूरा बजट पेश करने का मतलब कह सकते हो पूरा प्रोसेस। मैं दोस्तों आपको बिल्कुल अभी हल्के में समझा रहा हूँ ताकि आपको मेन है ना अभी ऊपर ऊपर समझ में आ जाए, देन जब आप डीपली पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं प्रोसेस का। स्टेज वन यानी स्टेप वन, एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यूज। स्टेप वन में दोस्त क्या करती है गवर्नमेंट, सबसे पहले ये देखती है गवर्नमेंट कि एस्टिमेट यानी एक अनुमान लगाती है कि कितना खर्चा करना है और कितना पैसा आएगा। ठीक है, पहले पॉइंट ये हमारा स्टेप वन। इसके अंदर दो पॉइंट है, पार्ट ए एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना पैसा खर्च करेगी गवर्नमेंट और कितना आने का उम्मीद है, कितना पैसा टैक्स के रूप में आ सकता है। स्टेज टू यानी स्टेप टू कह सकते हो। उसके बाद एक एस्टिमेट डेफिसिट के ऊपर बात की जाती है। एस्टिमेट्स ऑफ डेफिसिट मतलब किस देश में दोस्त घाटा हो सकता है तो कितना हो सकता है अगर घाटा भी होगा दोस्त। ठीक है, एक बार एक आप डेफिनेशन समझ लो कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है दोस्त। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट्स टोटल इनकम, यानी दोस्त गवर्नमेंट अपने टोटल इनकम से जब ज़्यादा खर्च कर देती है उसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी कि व्यापारिक घाटा ना देश के अंदर, या दोस्त एक राजकोषीय घाटा हो जाता है, राजकोषीय घाटा है ना, यानी कि देश की सरकार को घाटा है। तो सरकार पहले यही चेक करती है सेकंड स्टेज में। फिर बात करते हैं अब थर्ड स्टेज में, नैरोइंग ऑफ द डेफिसिट। अगर सरकार को लगता है कि यार थोड़ा घाटा है तो सरकार उस घाटे को है ना भरपाई करती है टैक्स रेट्स को इंक्रीज करके। फोर्थ स्टेज में आते हैं द बजट। फाइनली दोस्तों फिस्कल ईयर के लिए सभी प्रिपरेशन करने के बाद दोस्त, इन सभी पॉइंट्स को देखने के बाद, ये जो पॉइंट बताया मैंने इसके बाद इन सभी चीज़ को देखने के बाद, फिर इन पॉइंट्स को डिस्कस यानी जो स्टेप बताया, स्टेप फर्स्ट एस्टिमेट्स देखने के बाद एंड डेफिसिट देखने के बाद, अगर डेफिसिट सही नहीं है तो दोस्त टैक्स को इंक्रीज करने के बाद फाइनली दोस्त बजट को पेश किया जाता है फिस्कल ईयर के लिए। भारत के संविधान में आर्टिकल 112 के तहत दोस्त, 112 के तहत, आर्टिकल 112 के तहत ये देश की सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो फिस्कल ईयर के लिए क्या करेगी, बजट पेश करेगी। क्लियर दोस्त? तो इस तरीके से बजट को पेश किया जाता है, देन फाइनली ये होता है। लेकिन दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि बजट का एक कुछ डीपली बातें अगर हम आपको पहले बता दें थोड़ा सही रहेगा। देखो दोस्तों क्या होता है कि बजट तो दोस्त पेश होता है फेब के महीने में, लेकिन इसकी प्रिपरेशन हो जाती है पहले से ही। मान लो कि 2022 का दोस्तों ये साल चल रहा है, 2022 के फेब में सरकार ने बजट पेश किया था दोस्त, आपको याद हो तो। ठीक है, लेकिन इसकी प्रिपरेशन दोस्त लगभग अगस्त सितंबर महीने के 2021 से ही स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद जो जो आपको मैंने जो अभी प्रोसेस बताया दोस्त, इस प्रोसेस करने में ये नहीं रातों रात हो जाती है दोस्तों, बहुत टाइम लगता है ना मिनिस्टर्स के बाद देने में है ना, सब कुछ इन सब टॉपिक्स पे बात करने में। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स को देख के सभी चीज़ पे मतलब कि एक बजट पूरे देश के लिए पास कर रहे हैं यार, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट पास कर रही है पूरे भारत के लिए, तो बहुत बड़ा काम यार ये होता है। तो सितंबर फिर अक्टूबर नवंबर तक आते आते दोस्त है ना, फाइनल दोस्त कह सकते हो कि जब जनवरी दिसंबर का महीना आ जाता है तो उस टाइम एक हलवा मीटिंग की जाती है, जब पूरा मान दोस्तों बजट बन के पूरा रेडी हो जाता है,
हलवा की मीटिंग कही जाती है, यानी जो भी मेंबर होते हैं जो बजट की प्रिपरेशन में दोस्त लगे होते हैं उनको एक अलग ही रूम में रखा जाता है, अपने घर से दूर, ना उनके पास कोई फ़ोन होता है दोस्त, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, उनको इसी रूम में रखा जाता है सीक्रेट रूम के अंदर। बजट का जब तक प्रिपरेशन ख़त्म ना हो जाए तब तक वो इसी रूम में रहेंगे, वो यहाँ से निकल नहीं सकते, चाहे दोस्तों 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, उनको खाना पीना सब कुछ यहीं मिलेगा, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, ना उनके पास फ़ोन होगा। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट जो भी बजट पेश करने जा रही है उसमें टैक्स को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, क्या क्या सरकार चेंजेस करने वाली है, तो अगर ये चीज़ आज रिवील्ड हो गया, अगर ये लीक हो गया, तो ऐसे लोग जो टैक्स बढ़ने के कारण वो उन सामान को पहले ही इकट्ठा करके रख लेंगे, इससे दोस्तों काला बाजार स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी ना हो इसलिए उन लोगों को पहले घर में बंद करके रखा जाता है, ठीक है, बिल्कुल रूम में अलग, ना उनका फ़ोन कुछ भी नहीं, यानी उनका एक्सटर्नल लिंक बंद कर दिया जाता है पूरा। एंड दोस्त जब पूरा सब कुछ बजट एक तरह से प्रिपेयर हो जाता है तो पेश करने से पहले एक हलवा मीटिंग की जाती है, एक बड़े से कढ़ाई में एक हलवा रेडी किया जाता है और उस हलवे को मिल उस हलवा को है ना है और हलवे को दोस्त पूरे सभी मेंबर्स मिलके मिनिस्टर्स मिलके सभी मिलके खाते हैं, पहले दोस्त बजट को फाइनल रूप देते हैं, उसके बाद दोस्तों बजट को पेश किया जाता है। यानी बजट निर्माण करने में पार्लियामेंट की क्या भूमिका है, सबसे पहले दोस्तों बजट का प्रस्तुतिकरण यानी कि इंट्रोडक्शन टू बजट, सबसे पहले बजट को दोस्तों इंट्रोडक्शन किया जाता है कब, बजट के दोस्तों पेश होने से लगभग 7-8 महीने पहले ही, ठीक है। फिर दोस्तों बजट पर चर्चा की जाती है, जनरल डिस्कशन किया जाता है, सभी मिनिस्टर से रिपोर्ट लिया जाता है, जितने भी मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट है उन सभी से रिपोर्ट लिया जाता है। देन दोस्तों कमिटीज, जितने भी डिपार्टमेंट की कमिटीज़ होती है वो जांच करती है कि डिमांड ऑफ ग्रांट्स यानी दोस्तों कितने किस डिपार्टमेंट को ग्रांट्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूट पैसा करना है। देन जितने भी दोस्तों अनुदानों की मांग आई है उस पर वोटिंग की जाती है, वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट, जितनी भी आई है, जैसे मान लो कि हेल्थ को इतना 20 रुपये देना है, जो एजुकेशन पे 30 रुपये देना है ना, अलग अलग मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो अलग डिपार्टमेंट पे पैसा डिसाइड किया जाता है ग्रांट्स के लिए। देन दोस्त फोर्थ पॉइंट के अंदर कुछ पॉइंट है, अनुदान को मान लो, अनुदान मतलब जहाँ जिसको पैसा देना है दोस्त, वहाँ पे मान लो कि नीति में कटौती का प्रस्ताव अगर आ गया तो पॉलिसी कट मोशन, तो दोस्त कोई भी पॉलिसी है उसके अंदर कट करने की दोस्त अगर वोटिंग हुई तो पॉलिसी को ख़त्म करने की बात होगी। नेक्स्ट क्या है, आर्थिक कटौती प्रस्ताव, दोस्त ऐसा प्रस्ताव जिसमें इकोनॉमिक कट मोशन यानी कि जो इकोनॉमिक लेवल पर कुछ ऐसा मतलब पॉलिसी है सरकार की उसमें कुछ कमी करना हो, कटौती करना हो आर्थिक लेवल पर दोस्त। आंशिक कटौती प्रस्ताव दोस्त जिसको जब ऐसा लगे कि आंशिक यानी कि इमिडिएटली इस टाइम हमें इसको ख़त्म कर देना चाहिए इससे हमारे बजट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा दोस्त, टेकन कट मोशन उसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फिफ्थ जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है, विनियोग विधेयक दोस्त, सभी डिपार्टमेंट का पैसा पूरा लेकर कि सरकार को अब लगता है कि हाँ टोटल हमारे पास अब हो गया है, अब यही आगे चल के मतलब दोस्त कि अब क्या होता है दो सरकार पेश करती है, तो इसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन बिल यानी कि विनियोग विधेयक, यानी कि सभी डिपार्टमेंट का पूरा कलेक्शन हो चुका है, पूरा लेखा जोखा मिल गया है। अच्छा मान लो कि सरकार को भाई हाँ अब हमें 100 रुपये खर्च करना है, यानी 100 रुपये टोटल मिला के हो रहा है, तो दो सरकार अब जाके क्या करती है फाइनली विनियोग जो विधेयक है इसको पेश करती है। तो जो विनियोग विधेयक यानी कि जो एप्रोप्रिएशन जो बिल है दोस्त पेश होने के बाद ये बजट बन जाता है, क्लियर है, बजट बन जाता है दोस्तों, जो कि 1 फरवरी को फाइनली दोस्तों पेश किया जाता है। बजट दो तरीके के होते हैं दोस्तों मेनली, बजट देखा जाए तो एक होता है जनरल बजट है ना, आम बजट, एक होता है रेलवे बजट दोस्तों। आम बजट से पहले रेलवे बजट पेश किया जाता है, देन दोस्तों आम बजट पेश किया जाता है जो कि 1 फरवरी को मेनली पेश किया जाता है दोस्तों। अब होता यह है कि बजट पेश करने के बीच में लेकर आगे 1 महीने तक दोस्त सरकार पैसा नहीं निकाल पाती, तो इसलिए संविधान के अंदर एक प्रोविजन कर दिया गया है लेखानुदान का। लेखानुदान का मतलब क्या होता है कि वोट ऑन अकाउंट कि सरकार दोस्तों 1 महीने पहले, क्योंकि 1 महीने के बाद जो लंबा प्रोसीजर होता है, जो भी सरकार ने बजट पेश किया है मान लो 100 रुपये सरकार को चाहिए तो लगभग 1 महीने लग जाते हैं सरकार को ये पैसे निकालने में, जो देश की जो फंड होती है जहाँ पर पूरा पैसा निकालना है सरकार को, मतलब उसमें 1 महीने का प्रोसीजर लग जाता है दोस्त। सरकार चलेगी कैसे, फिर सरकार को पैसा कहाँ से मिलेगा, इसलिए दोस्त एक लेखानुदान होता है, एक वोट ऑन अकाउंट होता है, सरकार उसमें से दोस्त कुछ 1 महीने के लिए सस्टेनेबल रहने के लिए पैसा उसमें से निकाल लेती है उस पर वोटिंग करके सभी मेंबरों पार्लियामेंट के द्वारा, तो इसको लिए बोलते हैं लेखानुदान यानी वोट ऑन अकाउंट, क्लियर है दोस्त ये, चलिए आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, कितने टाइप से गवर्नमेंट बजट होते हैं दोस्त। पहला बजट होता है बैलेंस बजट, यानी कि बैलेंस बजट उसे कहा जाता है संतुलन बजट, यानी कि बजट वो संतुलन में है। मान लो दोस्तों जो टैक्स है टोटल, जो मान लो कि टैक्स है वो 100 रुपये आया, ठीक है, और जो खर्चा यानी दोस्तों जो एक्सपेंडिचर है वो 100 रुपये हो गया,
यानी कि पूरा बैलेंस में चल रहा है हमारे पास, हमारे पास मतलब कि कोई घाटा नहीं है। अनबैलेंस बजट जो होता है यानी असंतुलित जो बजट होता है वो दो तरीके से होता है। पहला होता है सरप्लस, यानी दोस्तों मान लो कि 100 रुपये का टैक्स आया, यानी 100 रुपये का जो दोस्तों मान लो कि टैक्स आया और जो खर्चा है दोस्तों यानी जो एक्सपेंडिचर है वो 80 रुपये का ही हुआ, यानी दोस्तों 20 रुपये हमारे पास फ़ायदे में है, हम 20 रुपये टैक्स ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, अच्छा बजट उसे ही माना जाता है जो बैलेंस बजट हो, क्लियर है। दूसरा होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब होता है घाटे का बजट। घाटे का बजट मतलब क्या होता है कि मान लो तो 100 रुपये का टैक्स आया और खर्चा 120 रुपये हो गया, तो इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। आता है संतुलन बजट, यानी कि बजट बिल्कुल संतुलन में है। मान लो दोस्तों जो टैक्स है टोटल, जो मान लो कि टैक्स है वो 100 रुपये आया, ठीक है, और जो खर्चा यानी दोस्तों जो एक्सपेंडिचर है वो 100 रुपये हो गया, यानी कि पूरा बैलेंस में चल रहा है हमारे पास, हमारे पास मतलब कि कोई घाटा नहीं है। अनबैलेंस बजट जो होता है यानी असंतुलित जो बजट होता है वो दो तरीके से होता है। पहला होता है सरप्लस, यानी दोस्तों मान लो कि 100 रुपये का टैक्स आया, यानी 100 रुपये का जो दोस्तों मान लो कि टैक्स आया और जो खर्चा है दोस्तों यानी जो एक्सपेंडिचर है वो 80 रुपये का ही हुआ, यानी दोस्तों 20 रुपये हमारे पास फ़ायदे में है, हम 20 रुपये टैक्स ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, अच्छा बजट उसे ही माना जाता है जो बैलेंस बजट हो, क्लियर है। दूसरा होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब होता है घाटे का बजट। घाटे का बजट मतलब क्या होता है कि मान लो तो 100 रुपये का टैक्स आया और खर्चा 120 रुपये हो गया, तो इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट, यानी घाटे का बजट कहीं हुआ, यानी दोस्तों 20 रुपये हमारे पास फ़ायदे में है, हम 20 रुपये टैक्स ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, अच्छा बजट उसे ही माना जाता है जो बैलेंस बजट हो, क्लियर है। दूसरा होता है डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब होता है घाटे का बजट। घाटे का बजट मतलब क्या होता है कि मान लो तो 100 रुपये का टैक्स आया और खर्चा 120 रुपये हो गया, तो इसको बोलते हैं डेफिसिट बजट। बजट दोस्तों मैंने दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है जनरल बजट और एक होता है रेलवे बजट, क्लियर है दोस्त। रेलवे बजट बेसिकली जनरल बजट से पहले पेश किया जाता है, क्योंकि दोस्त रेलवे अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है, इसलिए रेल का अलग से बजट पेश होता है और जनरल का दोस्तों एक अलग से बजट पेश होने की परंपरा भारत में चलते आ रही थी। मोदी जी ने इसके अंदर आमूलचूल दोस्तों परिवर्तन कर दिया। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर बजट पेश करने की क्या क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास आर्थिक स्थिरता लाना। देखो बेसिकली हम बजट पेश इसलिए करते हैं कि हमें ये पता चल जाए कि अगर 100 रुपये का टैक्स आया है तो हम खर्चा 80 रुपये ही करें। ऐसा नहीं है दोस्त कि 100 रुपये आए तो हम 120 रुपये खर्चा कर दें, इससे देश घाटे में चला जाएगा। तो आर्थिक स्थिरता स्टेबिलिटी लाना, आर्थिक वृद्धि करना, तो जितना पैसा आया है उतना ही पैसे में हम बेस्ट टू बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को प्रोवाइड कर सके, महंगाई को कम करके ऐसे स्किल्स और ऐसी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सके जिससे कि दोस्त अलग अलग परियोजना है ना, अलग अलग योजनाएं चला सके, अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग दोस्तों वेलफेयर के लिए हम काम कर सके जनता के लिए, जिससे कि देश में अल्टीमेटली लोगों का भला हो सके। थर्ड पॉइंट है हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों PSE के प्रबंधन के लिए, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर के जितने भी इंडस्ट्री है मेनली उन सबको रेगुलेट कर सके गवर्नमेंट, इसलिए एक बजट बनाती है। आपको जो जान के एक आश्चर्य होगा, सरकार का जो बजट होता है उसका 50% जो पैसा होता है वो सरकारी कर्मचारियों के सैलरी में ही निकल जाती है दोस्तों, बच गया 50%, और 50% जो बचा उसमें से ही सरकार को पूरा देश चलाना होता है। मेनली दोस्तों जो हम टैक्स देते हैं सरकार का वही इनकम का सोर्स होता है। संपत्ति और आय असमानता को कम करना दोस्तों ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है देश के बजट का। आखिर देश का बजट इसलिए पेश किया जाता है जिसमें जो इनइक्वालिटी हम कम कर सके, यानी का मतलब दोस्तों ये है जो रिच यानी दोस्त जो अमीर लोग हैं उनसे हैवी टैक्स ले और जो गरीब लोग हैं उनको सब्सिडी के रूप में हेल्प करें, यानी कि उनकी सहायता करें, उनको आर्थिक सहायता दे सब्सिडी देकर। तो अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी देकर गरीबों को हेल्प की जाए, इससे कि जो असमानता है सोसाइटी में, इनइक्वालिटी है वो खत्म हो सके। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा वो है दुर्लभ संसाधनों का पुनर्वितरण, यानी दोस्त ऐसे संसाधन जो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथों में आके सिमट गया है, तो सरकार क्या करती है इन लोगों से इन संसाधनों को लेती है और जो बड़ी संख्या में दोस्त लोग हैं उनके पास डिस्ट्रीब्यूट करती है यानी कि बांटती है। तो सरकार समय समय पर अलग अलग पॉलिसी लेकर आती है, सामाजिक कल्याण के लिए पॉलिसी लेकर आती है, महिलाओं के उत्थान के लिए लेकर आती है, जिससे कि जो संसाधन जो बहुत कम है सरकार उसको फिर से बांट सके, या दोस्तों वो सेम जो एक कम्युनिटी के पास वो इकट्ठी हो रखी है सरकार उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई गवर्नेंस को परिभाषित करते हुए इसके विभिन्न मॉडलों की व्याख्या कीजिए,
तथा ई गवर्नेंस से संबंधित नीतियों का परीक्षण कीजिए, यानी कि डिफाइनिंग ई गवर्नेंस। देखो, ई गवर्नेंस में जो ई वर्ड है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक उन चीज़ों को कहा जाता है जो कि बिजली की मदद से चलती है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में कंप्यूटर, फ़ोन, लैपटॉप इत्यादि चीज़ें आती हैं, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा कंप्यूटर, फ़ोन, लैपटॉप या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। और यहीं जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए नियम और मानदंड बनाना जो कि सरकार के द्वारा बनाया जाता है, जिससे कि देश को हम डिसिप्लिन के साथ चला सके और सोसाइटी के अंदर प्रोस्पेरिटी ला सके। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, पहले आइए हम पहले ये समझ जाते हैं। देखिए दोस्त, ई गवर्नमेंट जो होती है इसका मतलब ये होता है कि जो पब्लिक सेक्टर है उसके इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में एक ऐसा संबंध स्थापित करना, एक ऐसा रिलेशनशिप स्थापित करना जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन है या जो गवर्नमेंट के काम है उसको हम कम्युनिकेशन के द्वारा, मतलब कि इंटरनेट से जोड़ सकें। इससे जोड़ सके गवर्नमेंट को एक इंटरनेट के थ्रू जोड़कर इंफॉर्मेशन जनता तक डायरेक्टली प्रोवाइड कर सके और जनता के भलाई के लिए, जनता के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट उस मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का यूज़ करे, है ना, ताकि जो भी ऑप्टिमाइज कर सके सर्विस सेक्टर को। और दोस्त आपको पता है कि टेक्नोलॉजी से वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा जिस काम को करने में सरकार को बहुत टाइम लगने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्या है दोस्त, एक अच्छा मतलब कि सेवा उपलब्ध करवाना हमारे देश की जनता को, दोस्त एक ऐसी गवर्नमेंट बनाना जो कि जनता के प्रति एक्सेसिबल हो, यानी दोस्त अकाउंटेबिलिटी हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जनता के प्रति सरकार का एक जवाबदेही हो, सरकार को जवाब देना पड़े अगर काम सही से ना हो तो, एंड दोस्त फैसिलिएट सोशल इंक्लूजन होना चाहिए, यानी जो पूरी फैसिलिटी है वो सब कुछ मिलना चाहिए दोस्त, जहाँ पे कह सकते हो कि आप हर वो सुविधा जो जनता के हित में है ना, नेशनल इंटरेस्ट में है। दोस्त सभी सूचनाएँ प्रदान करने के लिए दोस्त सरकार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सरकार की, एंड गवर्नमेंट के जितने जो रिसोर्सेस है वो इफेक्टिवली यूज़ हो रहा हो, है ना। अगर इफेक्टिवली यूज़ नहीं हो रहा दोस्त तो वो उन रिसोर्सेज का क्या फ़ायदा जो सरकार के पास रख के सड़ रहे हो अभी तक। तो सभी संसाधनों का सुचारू रूप से यूज़ होना, इस्तेमाल होना, एंड दोस्त सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट उन स्पेंडिंग को रिड्यूस कर सके जो किसी काम के नहीं है, तो उन खर्चों को जनता के कल्याण पर यूज किया जा सकता है। मेनली दोस्त ऑनलाइन सर्विस को प्रमोट करना और सिटीजन के उस बीच में जो जनता के और सरकार के बीच में जो प्रोसेस है उसमें जनता को भी इन्वॉल्व करना। मेनली दोस्त ये है हमारा ई गवर्नेंस के मेन दोस्तों उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं ई गवर्नेंस के क्या क्या मॉडल्स हैं। सबसे पहले है ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, यानी कि अलग अलग जगह पे ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है मीडिया के थ्रू, जिससे कि सूचनाओं यानी कि इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा सकता है। आज हम देखते हैं कि किस तरीके से डिजिटल मीडिया से एक न्यूज़ बहुत जल्दी से फैल जाती है और दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाती है, इसलिए ब्रॉडकास्टिंग मॉडल इसको कहा जाता है। एंड दूसरा है कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल, यानी कि हम चीज़ों को तुलना कर सकते हैं। हम एक जगह से अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें तो हम दुनिया भर के और तमाम इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर सकते हैं, हमारे देश में क्या ऐसा नहीं है जो दूसरे देशों के अंदर है। एंड क्रिटिकल फ्लो मॉडल, क्रिटिकल फ्लो मॉडल का मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि जो भी जानकारी चैनल के थ्रू प्रसारित की जाती है, लोगों को जो दिखाया जाता है, इसमें इतनी ताकत होती है कि सोसाइटी के अंदर इस सूचना के द्वारा बहुत बड़ा चेंजेस लाया जा सकता है। जो क्रिटिकल इश्यूज वगैरह हैं उनको दिखाकर, जिनके ऊपर अभी तक तो कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, इस तरीके से जो क्रिटिकल मॉडल है वो आजकल की सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो किया जाता है, जिससे कि लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा सके जो अभी तक लोगों से काफ़ी दूर है। बट होता क्या है इसके ठीक अपोजिट, गवर्नमेंट के द्वारा मीडिया पे कंट्रोल बना लिया जाता है और कुछ ऑडियंस को टारगेट किया जाता है। जैसे मीडिया में हम देखते हैं कि अपोजिशन पार्टीज के ऊपर टारगेट किया जाना या सिर्फ गवर्नमेंट की वाहवाही करना, तो आजकल इस मॉडल को काफ़ी यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इसके बाद है ई एडवोकेसी या मोबिलाइजेशन और लॉबिंग मॉडल। इसमें क्या होता है कि वैश्विक नागरिक समाज को ग्लोबल डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करता है। मान लो हमें कहीं पे भी ट्रेड एक्टिविटीज़ में या कहीं पे भी हमें पार्टिसिपेट करना है तो हम तभी कर पाएंगे जब हमें वहाँ की नॉलेज मिल पाएगी। तो ये क्या करता है, वर्चुअली जो कम्युनिटीज़ हैं उन सभी को आपस में शेयर करना या अपनी उनकी वैल्यूज़ को शेयर करना या उनको प्रमोट करने की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये ईजिली किया जा सके और आपस में लिंकिंग हो सके चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल। इसके तहत क्या होता है कि जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है लोगों का इंडिविजुअली का, वो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन में हो पाता है, यानी कि सरकार के द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है तो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा उस पर राय मांगी जाती है कि लोगों का क्या विचार है। तो कहीं ना कहीं इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल जो है आज काफ़ी इसका यूज़ किया जाता है, जिससे कि चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाया जा सके, जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उसका लोगों को फायदा मिल सके। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ई गवर्नेंस के तहत सरकार के द्वारा क्या क्या पॉलिसीज बनाई जाती है। सबसे पहले राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना लागू की गई थी 2006 के अंदर, और इसका मेन पर्पज़ क्या था, कॉमन सर्विस सेंटर खोलना, जिससे कि आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं की सूचना मिल सके, गवर्नमेंट के द्वारा क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिजिटली
जो लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी जानकारी मिल सके। नेक्स्ट क्या है, डिजिटल इंडिया। मोदी जी के द्वारा इसको काफी प्रमोट किया जाता है, यानी कि कैशलेस सोसाइटी बनाना है हमें, जहाँ पे चीजों को हम डिजिटली लेकर आएंगे इंडिया तभी ग्रो कर सकता है, जिसमें पेमेंट करने के लिए भी हमने गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, इन सबका काफी सहारा लिया। भारत ने भी अपना भीम ऐप बनाया, भारत के द्वारा ये भीम को काफी प्रमोट किया गया। साथ ही साथ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को भी काफी प्रमोट किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि सरकार की ओर से जो भी फायदे दिए जाते हैं लोगों को, ये उनके बैंक अकाउंट्स में डाल दिया जाता है, इसको प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कहा जाता है। एंड डिजिटल भुगतान, हम चीज़ों का डिजिटल भुगतान कर रहे हैं आज, भीमा यूपीआई आईडी के थ्रू इजिली पेमेंट कर सकते हैं। आज क्या होता है, जिनको पेंशन दिया जाता है वो अपने जीवन प्रमाण पत्र कहीं से भी हासिल कर लेते हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा भी डिजिटली इसको सेंड कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट क्या, ई कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना, यानी कि जो हमारी जुडिशरी है वो अपना डेटा आजकल डिजिटली मैनेज करती है, लोगों को इन्फॉर्मेशन भी इजिली मिल जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल बनाया गया, जिससे कि स्टूडेंट्स को कंपनसेशन मिलता है, काफ़ी मतलब स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है। एंड ई अस्पताल खोले गए हैं, जिससे कि ऑनलाइन जानकारी हम ले सकते हैं। देशव्यापी नेटवर्क बनाया गया है, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क बनाया गया, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, और इस तरीके से डेटा केंद्र काफ़ी बनाया गया, जहाँ से हम कोई भी जानकारी ले सकते हैं। हम ई गवर्नेंस के एप्लीकेशन से जाके भी जानकारी ले सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, तमाम जानकारी सरकार के द्वारा जो भी स्कीम चलाई जा रही है उसकी जानकारी ले सकते हैं। एंड ईमेल सर्विसेज के द्वारा भी हम एसएमएस सेंड कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जो है सरकार के द्वारा, ये भी अलग अलग टाइम पे प्रोवाइड किया जाता है। तो सरकार के द्वारा भी माई गवर्नमेंट साइट बनाया गया है, डिजी लॉकर के थ्रू हम सारी अपनी सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ई हॉस्पिटल पोर्टल को काफी प्रमोट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP जो बनाया गया है, इससे स्टूडेंट्स को काफी हेल्प मिलती है स्कॉलरशिप स्कीम लेने में। एंड दर्पण साइट पे जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो हाई प्रायोरिटी की होती है, उन सभी प्रोजेक्ट्स को हम देख सकते हैं। एंड प्रगति साइट्स पे भी देखा जा सकता है। तो ये सारे एंड मोबाइल सेवा, जीवन प्रमाण, तो ये सब जो स्कीम है ये कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस में आती है। तो इस प्रकार से हमारा ई गवर्नेंस के ये सारे पॉइंट्स है, जिसमें आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट डिजिटली काफ़ी ग्रो कर रही है, साथ ही साथ देश भी काफ़ी तरक्की कर रहा है। किस तरीके से लोग अब ऑफलाइन कम और डिजिटली यानी कि ग्रो कर रहे हैं हम ऑनलाइन तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का ज़्यादा यूज़ कर, इस तरीके से ये था हमारा ई गवर्नेंस। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक कल्याण क्या है। सामाजिक कल्याण के अलग अलग जो उपागम है यानी जो अप्रोच है, आपको इसके बारे में बताना है। व्हाट इज सोशल वेलफेयर एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट अप्रोचेस टू सोशल वेलफेयर। चलिए हम समझते हैं सामाजिक कल्याण का मतलब क्या होता है। समाज में रहने वाले उन सभी लोगों का कल्याण होना जो समाज के अंदर या एक स्टेट के अंदर रहते आ रहे हैं। अब हम समाज के अंदर पहले उनका कल्याण करेंगे, और एक स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज के अंदर उनका कल्याण करना जिनका अभी तक कल्याण नहीं हुआ है। सोशल वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टेट में रहने वाले उन सभी लोगों के लिए जिनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल रूप से विकास करना है, और गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ, एजुकेशन और जो तमाम जो फंडामेंटल नीड्स है लोगों की, वो पूरा करके सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाता है। तो सोशल वेलफेयर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोगों की जरूरतों को पूरा कर देना, साथ ही साथ उनको रोजगार प्रोवाइड करना, आज उनको स्किल प्रोवाइड करना, जो कि समय की मांग है। इसलिए सोशल वेलफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर, जब हम बात करते हैं सोशल वेलफेयर, तो सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण के काम आते हैं, जैसे लोगों के लिए हेल्थ पे काम करना दोस्त है ना, एंड एजुकेशन पे लोगों की शिक्षा पे, लोग स्वास्थ्य पे, लोगों की सुरक्षा पे काम करना, तो मेनली रोजगार पे, एग्रीकल्चर पे, तो उन चीज़ों पे काम करना, तो अल्टीमेटली लोगों का उसमें भला हो सके, है ना। चाहे दोस्तों वो फिजिकल हो या एजुकेशन हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो या इकोनॉमिक नीड्स हो, इन सभी चीज़ों पे दोस्तों बात करना, इन पे पॉलिसीज बनाना, जो कि देश के दोस्तों लोगों के लिए नेसेसरी है, जिससे कि सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं दोस्तों अल्टीमेटली उनका विकास हो सके। दोस्तों यहाँ पे सीरी टेलर के द्वारा एक बात कही गई है दोस्तों, इन्होंने क्या किया, एक इंजीनियर ने प्रशासन की तुलना एक मशीन से की है, व्यक्ति प्रशासन में उपयोगी सिद्ध नहीं होता है तो उसे निकाल देना चाहिए। इसके द्वारा दोस्तों क्या कहा गया है, एक टेलर के द्वारा किया गया, दोस्तों इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, तो टेलर ने कहा कि अगर कोई भी इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा दोस्तों, अगर कोई भी आप कंपनी में ज्वाइन करते हो यार, मान लो उस कंपनी में अगर आप काम सही से नहीं कर रहे हो, या टाइम पे नहीं जाके आप लेट जा रहे हो, आप दोस्त प्रोजेक्ट को टाइम पे ना दे रहे हो, है ना, आपको जो टारगेट दिया आप वो पूरा नहीं कर रहे हो, तो कंपनी का मालिक क्या करेगा आपको, अपनी जेब से थोड़ी आपको सैलरी देगा दोस्तों, आपको निकाल के फेंक देगा वो। तो सेम यही कहानी यहाँ पे भी है दोस्त। अब बात यहाँ पे आती है मेजर फंक्शंस ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। मेजर फंक्शंस बताना है, ये रहा सामाजिक कल्याण क्या है। भारत में समाज कल्याण के प्रशासन की व्याख्या कीजिए, ये हमारा हो गया। तो इसमें आपको बताना है अलग अलग जो फंक्शंस हैं, यानी मेन मेन जो काम है, हमें ये बताना है सोशल वेलफेयर का। देखो, सबसे पहले महिलाओं के कल्याण की बात करता है, चाइल्ड वेलफेयर की बात करता है, यानी कि दोस्त बच्चे का भी भला हो, एंड महिलाओं का दोस्त सशक्तिकरण सबसे पहले है,
क्योंकि जो महिला और पुरुष में समानता है, जो पुरुष समाज हमारा चला आ रहा है जिसमें महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है ना, पितृसत्तात्मक समाज, उसको ख़त्म करने की बात की जाती है। राष्ट्रीय बाल नीति जिसमें दोस्तों जितने भी हमारे चिल्ड्रंस हैं उनके लिए पॉलिसी बनाना और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उस राष्ट्रीय बाल नीति बनाना और वृद्धों के लिए कल्याण की आवश्यकता है, यानी दोस्तों जैसे कि पेंशन की योजना सुनोगे आप तो ये वेलफेयर में ही आता है ना, सामाजिक कल्याण के कार्यों में आता है, बुजुर्गों को पेंशन प्रोवाइड करना, पेंशन देना, ठीक है दोस्तों, पेंशन की व्यवस्था होगी और हेल्प पेज जो इंडिया दोस्तों आप देखोगे तो वहाँ से भी काफ़ी सारे लोगों को हेल्प दी जाती है। तो सोशल वेलफेयर की जो पॉलिसी होती है भारत में ये एवरी ईयर बनती है और बजट में इसको शामिल भी किया जाता है। अब हम देखते हैं सामाजिक कल्याण के जो अलग अलग उपागम हैं। देखिए महिला कल्याण सबसे पहला काम है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, महिलाओं के कल्याण के लिए, उनकी रिजर्वेशन के लिए, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार के लिए आज गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारी स्कीम लेकर आई गई है। बट आज ज़रूरत यह है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है मेल और फीमेल में, टीआरके सोसाइटी है हमारी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, पिता की प्रॉपर्टी पर सिर्फ लड़कों का अधिकार होगा, बेटियों का नहीं होगा, एक लड़की ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसे तमाम बाउंडेशन सिर्फ महिलाओं पर ही क्यों, एक लड़की पर ही क्यों, तो महिला कल्याण के लिए इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है जिससे कि वो भी एजुकेट हो सके और वो तमाम चीज़ें कर सके, जो कि आज भी कहीं ना कहीं कुछ गांव में ऐसा होता है कि महिलाओं को सिर्फ चार दीवारी में रखकर सिर्फ ये सोचा जाता है कि क्या ही करेगी पढ़ लिख कर, जबकि आज देखा जाए तो कई सारे सेक्टर में महिलाओं के द्वारा जो परचम अपना लहराया गया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। तो इसलिए गवर्नमेंट का सबसे पहला जो अप्रोच होता है वो होता है महिला कल्याण यानी कि वुमेन वेलफेयर, एंड इसके बाद होता है बाल विकास जिससे कि कुपोषण के शिकार से या तमाम महामारी से या बीमारी से जो बच्चों की जो मृत्यु दर है वो ना बढ़े, इसलिए बाल विकास दर जरूरी है और साथ ही साथ एक बच्चों को शुरुआती शिक्षा से लेकर आगे तक की शिक्षा मिल सके, जिसलिए गवर्नमेंट के द्वारा राइट टू एजुकेशन भी दिया गया जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है। इसके बाद है पेंशन योजना जिनको जरूरत है, जैसे कि जो बुजुर्ग लोग हो गए यानी कि जिनको पेंशन की जरूरत है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनकी हेल्प करना जरूरी है, जो कि सोशल वेलफेयर का एक कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट है SC या ST कैटेगरी के लोगों की हेल्प करना, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा किया भी जाता है रिजर्वेशन देके, एंड इसके साथ साथ जो OBC कैटेगरी में है इनको भी आज रिजर्वेशन देकर, एंड जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है जिनको हम इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस में रखते हैं EWC, इनको भी आज रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इस तरीके से संवैधानिक सुरक्षा प्रोवाइड करके कहीं ना कहीं ST SC लोगों के साथ न्याय किया गया है, जिससे कि जो कमजोर वर्ग है सोसाइटी के, जो सच में हकदार है रिजर्वेशन के, उनको मिलना भी चाहिए। ये हमारा सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको इजीली आंसर को बना के लिखना है, जिससे कि लोगों का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास हो सके, उनको भी वो सारी सुविधाएं मिल सके जो आज तक उनको नहीं मिल पा रही है, और ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की यानी कि सरकार की है। इसी को हम सोशल वेलफेयर यानी कि सामाजिक कल्याण का कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या कीजिए तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 1986 में जो पॉलिसीज बनाई गई थी, यानी कि 1986 की जो एजुकेशन की पॉलिसी है, आपको इसके बारे में बताना है इस वाले क्वेश्चन में, यानी कि एक्सप्लेन द राइट टू एजुकेशन इन इंडिया एंड क्रिटिकली एवेल्यूट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। देखो राइट टू एजुकेशन 86वां संविधान संशोधन यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था, इसके बाद राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21A में जोड़ दिया गया और जब से ये एक फंडामेंटल राइट्स के रूप में लोगों को मिलना स्टार्ट हो गया और 6 से लेकर 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और इस राइट टू एजुकेशन को 2009 में पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, यानी कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन गई थी। लेकिन जो एजुकेशन की जो नीति थी वो 2 फरवरी 1835 को जो लॉर्ड मैकॉले के द्वारा बनाई गई थी वही चली आ रही थी। इसके बाद आज़ादी के बाद 1986 की पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई। तो राइट टू एजुकेशन समझ लेने के बाद हम ये समझते हैं कि 1986 की पॉलिसी क्या थी और इसके अंदर क्या क्या कहा गया था। भारत सरकार के द्वारा 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यानी कि घोषणा की गई और उस टाइम दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। ये भारत की पहली ऐसी राष्ट्रीय नीति थी जिसमें दोस्तों पॉलिसी बनाने के लिए प्लस इसमें इस चीज़ का भी यानी कि बात कही गई, इस चीज़ का भी जो डिस्क्राइब किया गया कि इसको क्रियान्वयन यानी इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, आखिर इसको लागू कैसे करना है। तो यह पहली ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर पॉलिसी के बारे में बताया गया प्लस इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है इसके बारे में बताया गया। नहीं दोस्तों हम इस पर बात करते हैं आखिर इसकी कार्य योजना क्या थी, मेन पर्पस क्या था इसका। देखिए दोस्तों संसद के द्वारा पास होने के बाद नवंबर 86 में ये भारत वर्ष के अंदर लागू हो गया, लेकिन इससे पहले जब इसे लागू नहीं हुआ था उससे पहले दोस्त लगभग 23 कार्य दलों का गठन किया गया, लगभग 23 ऐसे ग्रुप्स बनाए गए थे जिनका एक
काम दिया गया कि आप सभी को पूरे भारतवर्ष में ये देखना है कि एजुकेशन पॉलिसी क्या हो, हम किस तरीके की किताबों को पढ़ाएं, सिलेबस में क्या क्या हम शामिल करें। आज दोस्त जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो मेनली 1986 की पॉलिसी का ही कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर। तो 23 कार्यदलों का गठन किया गया, विषय विशेषज्ञ उसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी IAS वगैरह है ना दोस्त, जितने भी हमारे स्टेट सेंटर जितने अधिकारी हैं और स्पेशलिस्ट जो सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया। और ये दोस्त जो 23 दलों की जो गठन थी यानी जो बनाया गया, इसने 1986 के जुलाई में रिपोर्ट दे दी। और दोस्त जुलाई में रिपोर्ट देने के बाद संसद के द्वारा इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया गया अगस्त 1986 में, और फाइनली नवंबर 1986 को लोकसभा राज्यसभा दोनों से ये बिल पास हो गया। और इसमें क्या कहा गया, चलिए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले इसमें ये कहा गया कि 14 ईयर्स तो भाई सभी को एजुकेशन देना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना है, और पूरे भारतवर्ष के अंदर समान प्रवेश परीक्षा प्रणाली, यानी कि समान प्रवेश मतलब कि अभी आपको दोस्त पता होना चाहिए, जब हम बच्चे हुआ करते थे तो जब हम स्कूल में नाम लिखाने जाते थे तो एक कान यानी कि एक हाथ से हमें दूसरे कान को पकड़वाया जाता था। ऐसा इसलिए कि अगर किसी ने दूसरे हाथ में कान पकड़ दिया अपना तो उसका मतलब यह हुआ कि वह फर्स्ट क्लास के अंदर उसका एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्त एडमिशन का एक चलन बना हुआ था। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना, दूसरे कान को पकड़वाना सर के ऊपर से। तो एक हमारे दोस्त, मेरा एडमिशन खुद ऐसा हुआ था यार, जब मैंने अपने कान को नहीं पकड़ा तो टीचर ने वापस कर दिया, बोले नहीं इसका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो अब क्या हुआ, इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसा कहा गया कि एक समान प्रवेश प्रणाली होनी चाहिए। फिर भी दोस्त कहीं कहीं इम्प्लीमेंट हुआ, कहीं कहीं पैसा नहीं हुआ, है ना। कई लोग भाई कान पकड़वाने जो प्रथा थी, कस्टम थी, उनको उन्होंने बरकरार रखा। तो बालकों के संज्ञानात्मक अधिगम में वृद्धि होनी चाहिए, पहला पॉइंट इसमें ये भी कहा गया। इसमें ये कहा गया कि लोगों को सीखने और सिखाने की जो क्षमता है वो संज्ञानात्मक यानी कि बच्चों की बुद्धि में विकास होना चाहिए। ऐसा काम, ऐसे एजुकेशन अधिगम मतलब क्या होता है कि कॉग्निटिव यानी कि उसका जो लर्निंग का जो प्रैक्टिस जो उसका है, यानी कि दोस्त कह सकते हो कि जो उसका डेवलपमेंट है ओवरऑल, वो बढ़ना चाहिए। अधिगम मतलब होता है अधिक वृद्धि होना, क्लियर है। छात्रों को व्यावसायिक ज्ञान उनकी सुविधा अनुसार दिया जाना चाहिए, यानी दोस्त वोकेशनल सब्जेक्ट के नॉलेज दिया जाना चाहिए, जैसे कि बिजनेस पर्पज़ के लिए, ताकि स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई नौकरी के लिए ना करें, वो अपना बिजनेस भी कर सके। ये इसके अंदर कहा गया 1986 की पॉलिसी के अंदर। थर्ड पॉइंट में ये कहा गया दोस्त, जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें सुधार करना होना चाहिए, यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें रिफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। विद्यालयों में यानी कि अगर दोस्तों देखे जाओ तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी हमारे देश के अंदर, जैसे कि जो पनिशमेंट के नाम पे जो टीचर बच्चों को मारा करते थे, इस पॉलिसी के द्वारा टोटली इसको बंद कर दिया, यानी कि विद्यालयों में जो शारीरिक दंड की जो प्रथा है वो बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए, ये दोस्तों कह दिएगा। उसके बाद तो खत्म कर ही दिएगा, फिर भी जो टीचर तो मारते थे, ऐसा तो टीचर नहीं मारते भाई, वो तो मारते ही तो बच्चों की भलाई के लिए मारते थे, ये हुआ। बट अब नहीं मारते, मुझे ऐसा लगता है आज के इस टाइम पे टीचर बच्चों को मारते नहीं है अब, है ना। अब उनको लगता है कि दौर थोड़ा चेंज हो गया है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये इसके तहत यानी 1986 की जो पॉलिसी है इसके तहत एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इस यानी कि दोस्त इस ऑपरेशन का मतलब ये था कि स्कूल्स के अंदर सभी स्टूडेंट्स को खेल के समान दिया जाए, जितना ज़्यादा पढ़ना जरूरी है उतना ही खेलना भी जरूरी है। तो स्पोर्ट्स के उनको टूल्स वगैरह यानी क्रिकेट हो गया, चाहे दोस्त ना जो भी वो खेलते हैं, चाहे वो खो खो हो गया, चाहे दोस्त वो कबड्डी हो गई, गेम्स के लिए प्रोत्साहन किया जाए यानी कि लोगों को सपोर्ट दिया जाए। तो गेम के लिए समान यानी कि टूल्स दिया जाए, गवर्नमेंट देगी, नक्शे प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि दोस्त बच्चों को नक्शों के मैप्स के द्वारा समझाया जाए, चार्ट के द्वारा समझाया जाए, इसलिए बच्चों को चार्ट भी दिए जाएंगे, चौक दिए जाएंगे। दोस्त पहले पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाया जाता था, अब क्या होता है लोगों को श्याम भट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड दिया गया, जिसमें ब्लैक बोर्ड याद है ना दोस्तों, भूल गए हम सब ब्लैक बोर्ड पे पढ़ के पड़े हुए हैं यार। तो श्याम भट्ट दिया गया और डस्टर दिया गया, इसी को दोस्तों कहा जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये एजुकेशन सेक्टर में दोस्त बहुत बड़ी क्रांति थी। इससे पहले सोच लो कि ये जो बेसिक फंडामेंटल नीड्स है एजुकेशन में यार, इनके बिना भी लोग कैसे पढ़ लेंगे स्कूल वगैरह के अंदर। तो ये इस चीज़ की शुरुआती दोस्त 1986 के पॉलिसी की बात की गई, इससे पहले की हालत हम समझ सकते हैं जब ये सब नहीं हुआ करता था। नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई थी, यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन के लिए क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट किया गया था। सबसे पहले दोस्त यानी कि जो सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी मतलब क्लास 10 तक की, तो माध्यमिक स्तर पर कक्षा 10 के लिए एक सामान्य आधारभूत पाठ्यक्रम बनाया गया, यानी तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई उसके तहत। आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर भी जो प्रतिभावान बालक हैं दोस्त, यानी जो बच्चे तेज हैं,
उनके अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करने, प्लस उनको ऐसा ना लगे कि यार वो बीच में उनकी पढ़ाई छूट जाए, ऐसा ना हो, इसलिए गवर्नमेंट को ऐसे बच्चों को दोस्त सब्सिडी देके या उनको आर्थिक सहायता देके तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रयास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्कूल्स के अंदर दोस्त वोकेशनल सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई करवाई जाए। गवर्नमेंट और जो निजी यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है, ये दोनों आपस में मिलकर स्कूल्स के अंदर ऐसे ऐसे प्रोग्राम चलाए ताकि जो बच्चे हैं दोस्त वो सिर्फ किताबी ज्ञान तक नहीं बल्कि उनका जो हुनर है, जो अंदर का जो टैलेंट है, जिसको दोस्त हिडन टैलेंट कहते हैं, उनका वो निखार सके, वो दिख सके। फोर्थ पॉइंट क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सरकारी और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के दोस्तों संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। दोस्त आज भारत में चाहे वो वुमेन है ना दोस्त, या छोटे छोटे बच्चे जिसमें कह सकते हो कि चाहे गर्ल्स चाइल्ड वगैरह हो गए, तो उनकी एजुकेशन में दोस्तों जोर दिया गया, लड़कियों के एजुकेशन में जोर दिया गया, और इसके लिए वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। वोकेशनल मतलब दोस्त ताकि बच्चा ऐसे सब्जेक्ट को पढ़े जैसे कि आगे चल के वो अपना बिजनेस कर सके या बिजनेस माइंडेड उसका हो, है ना, ताकि दोस्तों नौकरी नहीं भी मिले तो अपना खुद का बिजनेस भी कर ले। उच्च शिक्षा हेतु दोस्तों क्या योजना बनाई गई ये देखते हैं, यानी कि एक्शन प्लान फॉर हायर एजुकेशन। देखो सबसे पहले ये कहा गया कि जो हायर एजुकेशन है उसमें सुधार किया जाना चाहिए, क्योंकि हायर एजुकेशन की जो कंडीशन है वो सिर्फ बच्चा सिर्फ रट्टाफिकेशन पर जोड़ देता है, और हमारी पॉलिसी भी दोस्त सिर्फ इस तरीके से चलती आ रही है। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये कहा गया कि जो कॉलेज हैं उनकी जो स्वायत्तता है वो बरकरार रहे। स्वायत्तता मतलब कि दोस्त कॉलेज अपने कॉलेज के अंदर क्या करना है, कौन सी पॉलिसी बनानी है, कौन सी पॉलिसी नहीं बनानी है, बच्चे कब को कब क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, दोस्त ये सब कॉलेज के ऊपर छोड़ दिया है। कॉलेज यानी कि ऑटोनोमस हो कॉलेज के ऊपर, कॉलेज अपना काम खुद कर लेगा, ठीक है, यानी कि कोई गवर्नमेंट या कोई ऐसी सरकार उस पर इंटरफेयर ना करे, इससे कॉलेज अच्छे तरीके से यानी कह सकते हो कि सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ये कहा गया। एंड जो भाषागत योग्यता के आधार पर जो पर्याप्त ध्यान देते हैं, इसमें थोड़ा लचीलापन आना चाहिए, जैसे कि दोस्तों सिर्फ एक ही लैंग्वेज पर ज़्यादा जोर देना, आज भी दोस्तों ऐसा ही होता है, कॉलेज के टाइम बताता हूँ मैं, दोस्तों ज़्यादातर जो लेक्चर्स होते थे वो इंग्लिश मीडियम में हुआ करते थे, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप यूट्यूब वगैरह आप कहीं पर भी देख लीजिए आप, तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको दोस्तों उनको लैक ऑफ स्टडी मटेरियल या दोस्त कह सकते हो कि लैक ऑफ टीचर्स जो मेनली सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ा रहे होते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है वहाँ पर, तो कॉलेज वगैरह में यही होता है। तो मेनली जो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए इस चीज़ में, सिर्फ एक ही लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर ना हो, दोस्त हिंदी मीडियम वाले हैं प्लस रीजनल लैंग्वेज के लोग भी हैं हमारे देश के अंदर, तो यार है ना। एंड उस शिक्षा के स्तर पर उसकी गुणवत्ता UGC द्वारा दोस्त तैयार किया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, भारत के अंदर जो हायर एजुकेशन है जैसे कि ग्रेजुएशन हो गया, फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड ईयर हम करते हैं ना, चाहे BA कर रहे हो, BCOM कर रहे हो दोस्त, आप BSc कर रहे हो, तो आप जब कॉलेज कर रहे हो तो कॉलेज के लिए जितने भी रूल्स बनेंगे वो UGC के द्वारा बनेंगे। दोस्त अगर आप आज DU SOL के अंदर हो, DU SOL में हो गए आप, या तो DU रेगुलर में हो, या आप IGNOU में हो, या दोस्त आप NCVAB में हो ना, या आप किसी भारत के किसी भी कॉलेज के अंदर, चाहे आप नालंदा विश्वविद्यालय में हो, है ना, चाहे आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसमें भी हो आप, सभी कॉलेज के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है, अब क्या होना है क्या नहीं होना है, कॉलेज कब खुलेंगे कब नहीं खुलेंगे, एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, ये सब को दोस्तों UGC के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आपको इसमें बताना है कि RTI 2005 का एक्ट जो पास किया गया था ये क्या है, और इसकी आलोचना भी करनी है, यानी कि क्रिटिकली एग्जामिन द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। चलिए हम समझते हैं कि RTI का मतलब क्या होता है। RTI एक्ट को 15 जून 2005 को पारित कर दिया गया और 12 अक्टूबर 2005 को पूरे भारतवर्ष के अंदर ये इम्प्लीमेंट यानी कि लागू हो गया, और सभी भारतीयों को एक RTI एक्ट के तहत एक ऐसा राइट मिला कि हम किसी भी सरकारी संगठन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हम जो चाहे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम इसमें वो सूचना प्राप्त नहीं कर सकते जो हमारे देश की यूनिटी और देश की एकता या अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकता हो, या सरकार की कोई सीक्रेट कोई सूचना हो हम वो नहीं प्राप्त कर सकते, या डिफेंस से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड, है ना, हम ये सब प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जो एक पब्लिक इंटरेस्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो सरकार से हम मांग सकते हैं, तो यही है हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम। मैं RTI कैसे फिल करते हैं इसका पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। पहले देखिए, एक इंसान सबसे पहले एक फॉर्म फिल करता है, और ये एक रिक्वेस्ट के रूप में नोडल ऑफिसर के पास जाता है जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, और ये नोडल ऑफिसर देखता है कि ये किस डिपार्टमेंट का एप्लीकेशन आया हुआ है, और ये उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर के पास ये जो एप्लीकेशन है उसको सेंड कर देता है, और जिस डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मांगी गई है
वो इन्फॉर्मेशन देखी जाती है और सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो इस पर्सन ने अटैच करी या नहीं करी है, और देखने के बाद वो फाइनली ये जो एप्लीकेशन है उस इन्फॉर्मेशन के साथ इसको रिटर्न कर दी जाती है, जो इसने सूचना मांगी जो इन्फॉर्मेशन मांगी है इसको दे दी जाती है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए इसको आंसर को समझते हैं कि इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। सूचना का अधिकार अधिनियम तो हमें समझ में आ गया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम सरकार से या सरकार के सपोर्ट से जो भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है हम उससे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। अब चलिए एक एक करके हम इनके पॉइंट्स को समझते हैं कि आखिर इसका प्रोसीजर होता क्या है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इधर देखें और इंग्लिश मीडियम वाले अपने इंग्लिश वाले नोट्स पे देखते हैं, चले ताकि सभी को समझ में आते जाए। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। इसमें ये कहा गया है कि इसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी जैसे कि एनजीओ वगैरह होते हैं बट वो गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, तो इन एनजीओ से कोई भी सूचना आप प्राप्त कर सकते हो। एंड सेकंड पॉइंट में क्या है, आवेदन हस्तलिखित यानी कि जो भी आप एप्लीकेशन दोगे वो रिटर्न या टाइप्ड होना चाहिए, और ये जो एप्लीकेशन है ये आप इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। याद रहे ये इंग्लिश, हिंदी और अन्य कोई भी रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है। अगर आपको कोई सूचना चाहिए तो इसका भी एक प्रोसीजर होता है, यानी कि आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हो उसके अंदर ये सारे डिटेल्स फिल होने चाहिए तभी आपका ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, ये आपके एप्लीकेशन में मेंशन होना चाहिए। इसके बाद ये है कि आवेदन जमा करने से पहले लोक सूचना अधिकारी का नाम, शुल्क, उसके भुगतान की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले कि कितना शुल्क लगने वाला है और आपके एरिया का कौन नोडल ऑफिसर है, और इसके बाद आप अपना एप्लीकेशन दोगे, देन उसके बाद आपको 30 दिनों में आपकी जो सूचना मांगी गई है वो सूचना आपको दे दी जाती है। इसमें जो चार्ज लगता है वो अलग अलग है कि 25 रुपये हैं, किसी में 20 रुपये, नॉमिनल चार्ज होता है, काफ़ी कम चार्ज होता है इसके लिए, ठीक है। बाकी जो एससी एसटी और बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको ये चार्ज कम देना होता है। आवेदन हाथों हाथ डाक द्वारा या ईमेल के द्वारा भी आप सेंड कर सकते हो, लेकिन इसके साथ आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा जो एक जरूरी है एप्लीकेशन देने टाइम। लेकिन याद रहे जब भी आप डाक का यूज कर रहे हो तो वो रजिस्टर्ड भारत सरकार का डाक होना चाहिए, आप किसी भी कुरियर सेवा के द्वारा इसको सेंड नहीं कर सकते। इसकी प्रासंगिकता की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस आज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज देखा जाए तो मोदी जी भी कहीं देश में जाते हैं, काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो उसको लेकर भी आरटीआई डाल के ये पूछ लिया गया कि मोदी जी के इस ट्रैवलिंग पे कितना खर्चा होता है, तो वो सारा खर्चा दिया भी गया है। तो आए दिन किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, अपने किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर आप कोई भी सूचना ले सकते हो जो आपके लिए जरूरी है। सरकार ऐसी कोई भी सूचना नहीं दे सकती जो देश के अखंडता और यूनिटी में खतरा पैदा कर सकती है, तो इसके लिए भी कैटेगरीज बना दी गई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसका आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और आज तो आरटीआई के तहत इतने एप्लीकेशन भर दिए जाते हैं कि पेंडिंग रह जाते हैं वो। तो जैसे कि महाराष्ट्र की बात करूँ मैं, आरटीआई के तहत टोटल 59,000 ऐसे पेंडिंग मामले हैं। महाराष्ट्र के बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, आज यूपी के अंदर 47,923 मामले अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, एंड उड़ीसा में तो इन मामलों को निपटाने में 7 साल से भी ज्यादा का टाइम लग गया। तो इसके कुछ खासियत भी, तो इसके कुछ आलोचना भी है कि सूचना कभी कभी लेट से मिलती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर मामला सेंसिटिव हो तो यह सूचना आपको 48 आवर्स में भी प्रोवाइड किया जा सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पूरा आंसर आप इस पे बनाकर लिख सकते हो, बाकी मैंने आपको अपने नोट्स में मेंशन भी कर दिया है। क्लियर है यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका रिलेवेंस क्या है और क्या पूरा प्रोसीजर है, यानी कि सरकार और सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट से आप जो भी जानकारी चाहते हो प्राप्त कर सकते हो। आप अपने स्कूल के अंदर किसी भी टीचर से, किसी अपने कॉलेज के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट से जो भी मांगना चाहो आप आरटीआई के तहत निकलवा सकते हो उसको। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल क्या है, भारत में लोकपाल की भूमिका की व्याख्या कीजिए। आपको इस क्वेश्चन के अंदर लोकपाल के बारे में बताना है, यानी कि व्हाट इज लोकपाल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लोकपाल इन इंडिया। देखो लोकपाल जो वर्ड है इसका मतलब क्या हम ये समझते हैं, देखो लोक का मतलब होता है लोग और पाल का मतलब होता है रक्षक या रक्षा करने वाला, यानी कि लोगों का रक्षक। तो इस तरह के कानून को पारित करने का उद्देश्य भारतीय राजनीति के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करना है। यानी कि मान लो लोकपाल एक, मान लो ये बंदा है, इसका मेन काम है अगर कहीं पर भी करप्शन होता हुआ दिख गया तो ये डायरेक्ट उस पर एक्शन ले सकता है, लोकपाल को इतनी पावर दी जाती है। लोकपाल भारत के अंदर मेनली, आप पहले इसके एक डेफिनेशन समझते हैं। देखो एक बिल प्रोवाइड किया गया था, एक पास किया गया, हमने एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना करी गई, एक बिल यानी एक कानून बना, और इस दोस्तों कानून का नाम ही था मेनली लोकपाल। जब दोस्तों आपने अन्ना हजारे आंदोलन का नाम सुना हो जिससे केजरीवाल जी निकल कर आए हैं, तो अन्ना हजारे का दोस्त आंदोलन ही इसलिए हुआ था ताकि जो करप्शन के खिलाफ है ना, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में हुआ था। तो मेनली भारत के अंदर दोस्तों एक ऐसी बॉडी है जिसका नाम है लोकपाल। लोकपाल एक ऐसी स्ट्रक्चर है, एक ऐसा दोस्त, मान लो एक इंसान है, और इस इंसान को दोस्तों पूरी पावर दे दी गई है कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया उसके अगेंस्ट में ये लोकपाल क्या करेगा है, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उसको सजा देगा। तो लोकपाल केंद्र सरकार में होता है, तो मान लो दोस्तों मोदी सरकार के जो अंडर में आएगा
वो लोकपाल होगा, और जो एक लोकायुक्त होता है ये सभी राज्यों के स्टेट के अंडर में आता है, ठीक है, राज्य सरकार के अंडर में आता है लोकायुक्त, और लोकपाल आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो उससे ये क्या करते हैं, ये पूछताछ करते हैं अगर किसी पे एलिगेशन लगाओ, किसी पे आरोप लगाओ करप्शन के, मेनली दोस्तों पब्लिक फंक्शंस में। तो इनका दोस्त मेनली होता है कि जो करप्शन के मामले हैं उसको जांच करना और उस पर सुनवाई जल्द करके मामले को ठीक करना। क्लियर दोस्तों, मेन हमारा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब वो चाहे वो मंत्री हो या सरकारी अधिकारी हो, और वो किसी भी, अब वो हायर पोस्ट पे हो लोअर पोस्ट पे हो, बट लोकपाल को ये पूरा अधिकार है कि वो जांच कर सकता है। इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट स्वीडन में 1713 में दिया गया था। इसके बाद 1960 के डिकेड में संसद में तत्कालीन कानून मंत्री अशोक कुमार सेन के द्वारा इसका प्रपोजल दिया गया था, एंड इसके बाद 1963 में डॉक्टर एल एम सिंधवी के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो करप्शन के लिए काम करता है उसको लोकपाल कहा जाता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट में करप्शन के अगेंस्ट काम करता है उसको लोकायुक्त कहा जाता है। दोनों ही कानूनी संस्था की स्थापना की गई थी, और दोनों को ही करप्शन के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए ही इसका प्रस्ताव दिया गया था, और साथ ही कोई अपने पावर का मिसयूज करे या भ्रष्टाचार करे तो इनकी कंप्लेन सुनकर इस पर जांच कर सके। तो लोकपाल और लोकायुक्त तो दोनों ही काफी महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है करप्शन के लिए। लोकपाल और लोकायुक्त जो अधिनियम है 2013-2014 का अधिनियम संसद द्वारा पारित हुआ, जिसे 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई, तो और फाइनली 16 जनवरी 2014 के द्वारा ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाने के बाद भारत में लोकायुक्त और लोकपाल का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा। तो लोकपाल या लोकायुक्त का मेन काम होता है करप्शन जहाँ पे भी हो रहा है उसकी जाँच करना, पड़ताल करना, और एविडेंस जुड़ाकर उस पर कार्रवाई करना जो इलीगल तरीके से ब्लैक मनी में जुड़ा हुआ है या करप्शन कर रहा है, और उनको सजा देना। तो इस तरीके से लोकपाल काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा हो जाता है। चलिए अब हम समझते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है हमारा शॉर्ट नोट, जिसमें सबसे पहले सिटीजन चार्टर क्या है इसके बारे में आपको बताना है। चलिए हम समझते हैं अपने सिटीजन चार्टर के बारे में। अच्छा, ये 1991 के अंदर भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया था और एलपीजी का सिस्टम अपनाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। भारत ने अपने दरवाजे दुनिया भर के देश के लिए खोल दिए थे कि भारत में आके आप व्यापार कर सकते हो। लेकिन दोस्त, इस टाइम भारत के जो पब्लिक जो सेक्टर है उसकी जो क्वालिटी है दोस्त, उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत पड़ी थी हमें। तो इसलिए जो नागरिक चार्टर है इसको इसलिए पास किया गया था मेनली दोस्त, 1991 के आसपास ये पास किया गया, और दोस्त अलग अलग तरीके इसमें अमेंडमेंट किए गए थे इसलिए ताकि जो सेवा है, जो सर्विस सेक्टर है, उसको बेहतर बनाया जा सके। जनता के प्रति दोस्त अधिकारियों का जवाबदेही, जो अकाउंटेबिलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ज़्यादा बढ़ाया जा सके। जनता की बातों को सुने लोग, जो सर्विस सेक्टर के लोग हैं यानी कि जो सरकारी अधिकारी हैं, सेवाओं के साथ विशाल जन संतुष्टि हो, यानी कि जो सेवा प्रदान कर रहे हैं लोग उससे संतुष्ट हो, बड़ी हुई पारदर्शिता जो सोसाइटी में लोगों के बीच में गवर्नमेंट के जो काम हैं, जो पॉलिसी, उसमें तो ट्रांसपेरेंसी आ सके, पारदर्शिता आ सके कि काम सही से हो रहा है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, जो आगे चल के दोस्तों शासन में नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। यानी कि जब ये पॉलिसी बने तो उसमें कम से कम दोस्तों ये हो कि जनता को भूले ना सरकार, है ना, यानी जनता की जरूरतों को देख के, या दोस्त हो तो जनता की या जरूरतों को जानने के लिए सर्वे करवा लिया जाए, ऑनलाइन वोटिंग करवा लिया जाए, है ना। तो इस तरीके से जनता का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए पॉलिसी बनाने में। लोक सेवकों और सार्वजनिक कार्यालयों की बेहतर एक जवाबदेही होनी है चाहे कोई भी पॉलिसी वो बनाते हैं, और यह नागरिकों के कर्तव्य पर दोस्तों प्रकाश डालता है, और जो शिकायतों के मामले में किसके पास संपर्क करना है हमें ये बताता है कौन, नागरिक चार्टर के मेन में दोस्तों ये लाभ है। तो ये चीज़ आपको ये पॉइंट याद रखने, बाकी दोस्तों आप बना के लिख दोगे, इतनी दोस्तों आपको मुझे पता है आप बनाने में बड़े माहिर, तो इसका जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा, आप यहाँ से सारे इसके आंसर देख सकते हो। क्लियर है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास, इसके बाद मैंने इसमें पॉइंट्स भी आपको डिस्क्राइब कर दिया है सिटीजन चार्टर के, आप इन पॉइंट्स को भी देख सकते हो दोस्त। ये सारे पॉइंट्स ये रहे, स्टेटमेंट्स ऑफ सर्विस, इंटीग्रेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ फॉर दोस्तों रिस्पॉन्सिव क्लाइमेट। तो आप एक काम कीजिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में आप इसको बना दे लेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को दिखा देता हूँ मैं। तो सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, मानदंड एक यानी कि फिक्स कर देना एक क्राइटेरिया, और जितने भी वैल्यू फॉर जो टैक्स पेयर्स होते हैं दोस्त, यानी कि वो एक वैल्यू देने देश के अंदर लोगों को जागरूक करना टैक्स पे करने के लिए, देश का एक देशभक्ति की भूमिका निभाने में दोस्त, एक टैक्स पेयर का भी एक नाम आता है यार, हमें टैक्स को चुराना नहीं चाहिए। नियम या प्रक्रिया जो भी योजनाएं बनती है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नागरिक घोषणा पत्र के दोस्तों जो मेन समस्या थी वो ये थी कि लोगों में जागरूकता का अभाव था, तो लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर दोस्तों कोई भी चार्टर या चार्टर मतलब क्या होता है, चार्टर मतलब दोस्तों एक कानून या एक नियम कह सकते हो, ठीक है। चलिए चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास बजट के प्रकार है।
यानी कि टाइप्स ऑफ बजट, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है। इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है खाद्य सुरक्षा के अधिकार की व्याख्या कीजिए, यानी कि फूड सिक्योरिटी के बारे में आपको बताना है इस वाले पॉइंट के अंदर। तो चलिए हम समझते हैं फूड सिक्योरिटी का क्या मतलब है और फूड सिक्योरिटी को लेकर क्या क्या राइट्स हैं भारत के अंदर। राइट टू फूड सिक्योरिटी है ना, खाद्य सुरक्षा। इस योजना का दोस्तों देश के लगभग 67% लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। सरकार दोस्तों प्राइमरी यानी कि कह सकते हैं कि प्राथमिक श्रेणी जो श्रेणी के वाले जो व्यक्ति हैं, 7 किलो दोस्तों चावल और गेहूं उनको मुफ्त पे देती है। दोस्तों अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो दोस्तों आपको राशन मिलता होगा, गेहूं मिलता है, चावल मिलता है ना, तो चीनी भी मिलता है। अभी तो दोस्तों कोविड के बाद से लगभग 6-6 महीने का दोस्तों राशन फ्री में बांटा गया, ताकि कोविड की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा लोगों पे वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कम हो, लोग अपना दोस्तों पेट तो भर सके कम। और दोस्तों गांव में लगभग 75% ऐसी आबादी है जो इसका फ़ायदा उठा पा रही है, ठीक है। इसको खाद्य सुरक्षा कानून के नाम से जाना जाता है। तो 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये दोस्तों इस नाम से कानून पास किया गया था, कब, 2013 के अंदर, लोगों को कम दाम पर दोस्तों अनाज प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। दोस्तों आप गाँव वगैरह में रहते हो तो आप सस्ते दाम पर भी दोस्त जो पर्याप्त मात्रा में अच्छे खाद्यान्न भारत से आप ले सकते हो। यार दोस्त, भारत सरकार द्वारा जो प्रारंभ की गई है खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, इसमें दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन को शामिल किया गया है। इसमें क्या क्या बताया गया है दोस्त, कि अभियान में जितने भी राज्य हैं वो सभी पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें तो असम हो गया, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, दोस्तों सभी स्टेट का इसमें पार्टिसिपेट किया गया। तो ये वो राज्य है जहाँ पे अभी भी दोस्त कई गरीब लोग हैं, यानी कि तो गरीबी रेखा से जो कम लोग हैं दोस्त, जो गरीबी रेखा से भी जो मतलब कि नीचे हैं, उनको आज दोस्तों आर्थिक तरीके से अनाजों से हेल्प दी जाती है। तो इस तरीके से खाद्य सब्सिडी योजना के तहत और मेनली दोस्तों राशन कार्ड के द्वारा भी हेल्प प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट में पूछा गया है वो है ई गवर्नेंस के आयाम, यानी कि डायमेंशंस ऑफ ई गवर्नेंस, जो कि हमने ई गवर्नेंस वाले पॉइंट्स में जो समझा था हमने मॉडल्स, इसके अंदर वही पॉइंट्स आपको लिखना है। तो इस प्रकार हमारे जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे कवर हो जाते हैं विद शॉर्ट नोट्स के साथ। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं ये समझ में आ गए होंगे। एक बार इस वीडियो को देख लेने के बाद अगर आपने नोट्स को पढ़ डाला, लाइव झिंगा लाला। नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा बीए प्रोग्राम नोट्स, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे जो भी आपको नोट्स चाहिए हिंदी इंग्लिश मीडियम में, आप उस नोट्स के सामने क्लिक कीजिए, आप उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो इस नोट्स की खासियत यह है कि आंसर को इतने आसान फॉर्मेट में दिया गया है कि एक बार पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा और एग्जाम में उसी फॉर्मेट में आप लिखकर आते हो, फुल टू फुल आपको मार्क्स मिलेगा। मार्केट में जाके आप पैसे देख के जो भी बुक्स या टेन ईयर लेकर आओगे उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं होता। हमने क्या किया कि डीयू के जितने भी टीचर्स हैं एक एक्सपर्ट्स की पैनल बना के इस नोट्स को रेडी करवाया है और इतने आसान तरीके से बनाया कि सारा एग्जाम इसी में से ही आने वाला है। तो नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। आने वाले जितने भी सेमेस्टर हैं उन सब की तैयारी आपको इस चैनल पर करवाने वाला हूं, जैसे मैंने इस बार करवाया है। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपका जो फीडबैक है वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको टाइम से मिल जाए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।